Smoking and drinking is injurious to health. आज के प्रोग्राम की लिस्ट है। अरे चंद्रभानु, रात भर सोया नहीं इसलिए आंखें किरकिर किरकिर करके जल रही है। तुम ही पढ़ो यार। और क्या होगा सर, 4 कैदियों को जिला कोर्ट में जाना होगा और कुछ 12 कैदियों को हाई कोर्ट में हाजिर करना है। और हाँ, आधे घंटे में अनंतपुर से उस कैदी को लेकर आ रहे हैं। किसको ला रहे हैं? जोगेंद्र को। अरे यार, अगले 2 दिनों बाद रिटायर होकर घर पर शांति से सोऊंगा सोचा था मैंने। उसका नाम सुनते ही इनका तो बीपी बढ़ गया। इन गुंडों को ढूंढ ढूंढ कर पकड़ कर मेरे ही पास क्यों भेजते हैं यार? फांसी पर चढ़ाने के लिए और क्या? मुझको चढ़ा देना। चढ़ा। सर सर सर, अरे सुनिए सर, सॉरी सर, वो आ रहे हैं सर, वो आ रहे हैं। अरे ओ सांबा, तुम तुरंत जाकर कोर्ट ड्रिंक लेकर आओ। अरे मुंह क्या देख रहे हो, जाओ ना। अरे चंद्र भी जाओ यहाँ से। हाँ सर। 3 साल से जेल में पड़े हुए पति के छूटने पर पत्नी इतनी खुश नहीं होती है, और एक तुम हो कि उस हत्यारे को इतनी इज्जत दे रहे हो। कोर्ट ड्रिंक उनके लिए नहीं सर, आपके लिए है। ठंडे हो जाएंगे ना। के लिए हथियार की जरूरत नहीं है, पास जाकर आंखों में आंखें डालकर मर जा। बोलेगा तो मर जाएगा, इतना खतरनाक है लोग। नमस्कार।
नमस्ते सर, मैं आरबी ह्यूमन राइट कमीशन से। जोगेंद्र की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर्स दिए। सर देख लेंगे, आप पीछे ही रहिए। जीवन चरित्र टीवी में दिखाना इसकी आखिरी ख्वाहिश है। सर आई एम सत्ती फ्रॉम दूरदर्शन। इस रूम में रोशनी कम है, ऐसे रूम में चलते हैं जहाँ रोशनी ज्यादा हो, कैमरे में अच्छा दिखना चाहिए। उसका जीवन चरित्र टीवी में दिखाया जाए, वो कोई अब्दुल कलाम है या सुभाष चंद्र बोस है या भगत सिंह है क्या? मुझे मंजूर नहीं है, जाओ। ये बात पेपर में लिख के दे दीजिए, कंटेस्ट ऑफ कोर्ट केस में अंदर कर देंगे। जेल में ही तो है 25 सालों से। चंद्रभानु आधी रात को ये सब क्या लगा रखा है? ना सर, खुद बोल रहे हैं कि आधी रात की तरह अंधेरा हो रहा है। आओ देखते हैं रोशनी ज्यादा कहाँ है। ए, चलो कैमरा। अरे यार तुम भी साथ में जाओ, नहीं तो वो कहीं भी कैमरा लगा देगा। बाबू जोगेंद्र, बेकार के टाइटल सुनाने के बजाय आया ठोका मारा, 3 शब्द में कहानी खत्म करो। आप आराम से सुनाइए सर, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमारे पास कोर्ट का ऑर्डर है और कैमरे के मेमोरी कार्ड में बहुत जगह है, पीछे टास्क फोर्स ऑफिसर्स हैं। आप शुरू से लेके अंत तक जो भी है आराम से बोलिए, बीच में अगर भूख लग जाए तो बिरयानी मंगवा लेना, हम सब शेयर कर लेंगे। तुम जैसे लोग हो तो फांसी पर चढ़ाने के बदले बीपी बढ़ाकर ही मरवा दें। अरे क्या कर रहे हैं सर आप, पूरी दुनिया देख रही है, कुछ देर शांत रहिए। रेडी स्टार्ट। मेरा नाम जोगेंद्र है, राधा जोगेंद्र। हमारे आसपास के 7-8 गांव के लोगों का पालन करता मैं ही हूँ, ब्याज पर पैसे देने वाला कुबेर भी मैं ही हूँ। अरे रुक जाएगी, रुक जाएगी, पापा देखना रुक जाएगी। किसी दिन आप मेरी जान ले लोगे। बाबा खाम खा डर रहे थे, रुके। दामाद जी 1000 रुपए खर्च करके ब्रेक लगवा लो ना। उसी पैसे को ब्याज पे देंगे तो एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे ना। नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ बोलिए। मुझे 1 लाख रुपए चाहिए। 3% ब्याज लगेगा। कोई बात नहीं। वैसे पैसे क्यों चाहिए? वो आप क्यों पूछ रहे हैं, मैं अपना घर गिरवी रख रहा हूँ ना। मैं नहीं दूंगा। आप चाहो तो मैं 5% ब्याज भी दे दूंगा। वो भी मैं नहीं देने वाला। एक कहावत सुनी है आपने? कौन सी? खाने के वांदे हैं लेकिन अय्याशी करने के लिए घर बार बेच देंगे, अजीब लोग। सुनो कहावत सुन ली ना, अब जाओ यहाँ से। हाँ आप दोनों आइए। नमस्कार बेटा। नमस्ते साहब। नमस्कार साहब। आइए बैठिए। कोई बात नहीं, इन्हें कुछ पैसे चाहिए। पैसे किस लिए चाहिए? खेती करने के लिए। किसकी खेती करोगे? केले की खेती करेंगे। केले की खेती मतलब पानी ज्यादा चाहिए होगा। देखिए इस साल बारिश ज्यादा नहीं हुई इसलिए तालाब का पानी भी बहुत कम है। आप मूंगफली की फसल ठीक रहेगी? हाँ मूंगफली उगाइए, वैसे भी उसकी फसल बहुत कम हुई है, दाम भी अच्छे मिलेंगे, है ना? तो ब्याज 1.5% होगा, गिरवी क्या रखेंगे? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है जी। इनके पैरों में जो पायल है उसको गिरवी रख दो। 2000 का भी नहीं है, इसे क्या गिरवी रखोगे? देखिए माँ जी, बिना कुछ गिरवी रखे मैं किसी को ब्याज नहीं देता, यही मेरा नियम है। लेते हो? अपने ही गांव के साहूकार से। साहूकार? वो तो 1 नंबर का फ्रॉड है, बीज भी डुप्लीकेट देता है। ए, 2 बीज के पैकेट लेकर आओ। ए, साथ में खाद का पैकेट भी लेकर आना। हाँ भाई। थोड़ा जल्दी लेकर आना। हाँ। ये पूरे हैं, ले लीजिए। जी बेटा। ये भी ले लीजिए। इसके पैसे खेती होने के बाद एक साथ दे दीजिएगा, ठीक है ना? ठीक है साहब। लीजिए बाबा, ये पायल रख लीजिए। ए, इसे अंदर रख दो।
दामाद जी, वो 5% ब्याज देने को तैयार था, फिर भी उसे मना कर दिया, लेकिन इसे 1.5% में ही दे दिया। मैं कुछ समझ नहीं पाया। हमारा ध्यान ब्याज पर नहीं बाबा, असल कैसे वापस पाना है उस पर होना चाहिए। आपने अभी देखा ना, हमने उन्हें बीज दिया, खाद दिया, देखने पर मेहनती भी लगते हैं, खेती जरूर अच्छी करेंगे। जो भी कर्ज लेने वाला है वो अच्छा इंसान होना चाहिए। हर काम का एक तरीका होता है, तभी लाइफ अच्छी होती है। माँ जी, ये लीजिए। कोई बात नहीं, ले लीजिए। उनका मेरे सिवा कोई नहीं है, शादी को 3 साल हो गए हैं। आप जैसे अच्छे लोगों का आशीर्वाद चाहिए। सोने जैसा दिल है तुम्हारा बेटी, तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो। भाई, आप यहाँ हिसाब और खेती की बातें कर रहे हैं, वहाँ राधा जी ने उनकी पायल उन्हें वापस दे दी। पायल वापस दे दी? दे दी। दे दी? दे दी। अच्छा, दे दी? दे दी भाई। तो क्या गलत किया? हम पैसे कमा कर खर्च क्यों करते हैं? खुशी पाने के लिए। मुझे लेने में खुशी मिलती है और उसे देने में। उसके अलावा मेरा है ही कौन, वो जो भी करेगी अच्छा ही करेगी। मैंने कहा था ना। सुखी भवा, सुखी भवा, दुआ है रब से मांगे सुमंगली, सुमंगली, संग तेरे रहूं मैं सदा। सांसों में मेरी तुम ही तुम हो, धड़कनों में तुम ही तुम हो, मेरा सब कुछ तुम हो साथिया। हो आँखों में भी तुम ही तुम हो, मुझ में भी अब तुम ही तुम हो, तुम ही जीवन मेरा ओ पिया। तू ही तू ख्वाबों में है संग मेरे, मर कर भी साथ रहूं मैं।
आखिरी सहारा है। मन्नत के मुताबिक कार्तिक मास की पहली एकादशी को मैंने पहला दीपक जलाया है। हमारे बच्चे और हमारी रक्षा करना भगवान। होती कौन है तू? हाँ, सरपंच की पत्नी मैं हूँ और तूने पहला दीपक जला लिया। नहीं, मैंने ये मन्नत मांगी थी। सॉरी जोगेंद्र, माँ और बच्चा दोनों में से किसी एक को ही बचा सकते हैं। आप राधा को ही बचाइए। राधा कभी दोबारा माँ नहीं बन पाएगी। जो भी हो, मुझे राधा ही चाहिए। जब से गांव में पंचायती बनी है तब से मैं ही सरपंच हूँ। आज तक मेरे विपक्ष में कोई खड़ा नहीं हुआ। अब अचानक से तुम आकर नॉमिनेशन भरने की बात कर रहे हो। ए, ऐसे मिलाते हैं क्या? मुझे दो। 15 साल से बने बैठे हो, पद नहीं भरा क्या? मैं तो तुम्हारे मर गया साला। ए, खाने में दूसरी कच्ची डालो। यहाँ समस्या कुर्सी की नहीं इज्जत की है। ले जाकर फेंक दो इसे। नॉमिनेशन भरेगा नॉमिनेशन। ए, ये भी ले जा। नमस्ते नमस्ते मुखिया जी। ए, जोगी। मैं तुम्हें बुलवाने ही वाला। क्यों जी? इलेक्शन के खर्च के लिए मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। कितने? 10 लाख, लेकिन ब्याज सिर्फ 1% दूंगा। नहीं चाहिए। आप ही हमारे गांव के सरपंच हैं। गांव के लोगों की हर जरूरत को आप ही पूरा करते हैं, इसलिए आप ही हमारे गुरु देवता हैं। MLA, MP, मिनिस्टर, सब कुछ आप ही हैं हमारे। तो और क्या चाहिए? मुखिया जी, मुझे बोल ना। वो मेरी बीवी राधा। तेरी बीवी घर का चूल्हा जलाती हुई ही अच्छी लगती है। मंदिर में दीपक जलाकर गलत किया उसने। मेरी बीवी सीधी साधी है, इसलिए तेरी बीवी का सिर्फ बच्चा ही गिरा। कोई और होती तो मेरी बीवी उसकी जान ले लेती। मेरी बीवी ने भी यही कहा जी। क्या कहा? कहा कि राजा मैं सरपंच की बीवी नहीं हूँ ना, इसलिए मुझे धक्का दे दिया। मेरा दीपक बुझ गया, मेरा बच्चा मर गया। अगर तुम सरपंच होते तो ऐसे। मुझे भी ऐसा ही गुस्सा आया था। मैंने उसे कहा कि मुंह बंद रख अपना। पुरानी कहावत है ना कि पागल हाथी और आप जैसे इंसान से पंगा नहीं लेना चाहिए, कुचल देते हैं। समझाया उसे। बच्चा खोने का दर्द है ना, इसलिए जिद कर रही है। मुझे आपसे कोई मुकाबला नहीं करना। मना किया तो वो चुप नहीं बैठी। बेकार की बात छोड़, सीधे मुद्दे पर आ। आपको 10 लाख दे दूंगा मुखिया जी, ब्याज 1 पैसा नहीं चाहिए। आपके साथ मुझे भी नॉमिनेशन भरना है। मुझे तो 2 ही वोट मिलेंगे, एक मेरी राधा का वोट और दूसरे मेरे ससुर जी का। और मेरा वोट मैं आपको ही दूंगा। मेरी राधा भी खुश हो जाएगी और आपके साथ खड़े होने का मौका भी मिल जाएगा। इतना ही काफी है। ठीक है, भर ले। लेकिन मेरे नॉमिनेशन पेपर पर आपको ही साइन करने होंगे। ससुर जी, नॉमिनेशन पेपर लेकर आइए। मुखिया जी, आप खाना खा लीजिए, उसके बाद साइन कर दीजिएगा। दो जगह खाना लगाओ। यहाँ
घर से चार वोटों के लिए ये 2000। ये लो, तो माँ बेटी के अलग से 500-500 रुपए। ये लो, ये पैसे जोगेंद्र भैया को दे आओ जल्दी से। जाओ जल्दी। भैया भैया भैया, माँ ने ये पैसे दिए हैं। यहाँ साइन कर दो बेटी। नमस्ते दामाद जी को। नमस्ते। साइन कर दो। आपका बच्चा सुरक्षित रहे। सरपंच राम नारायण जी की। मुखिया जी, इस बार भी आप भारी मतों से जीतेंगे। आपकी जीत होते ही मैं ही पहला हार पहनाऊंगा। तुमने तो मेरा दिल ही जीत लिया। करीकुंडा ग्राम के पंचायत चुनाव में सरपंच के उम्मीदवार राम नारायण जी विपक्षी जोगेंद्र जी से 5600 वोटों से हार गए हैं। अरे मेरी जीत नहीं हुई है, इसकी जीत हुई है, इसकी। 3 चुनाव में लगातार जीत हासिल करने वाले श्री राम नारायण जी इस बार सिर्फ 18 वोट पाकर अपनी डिपॉजिट गवा चुके हैं। गलती हुई है, वापस रिकाउंटिंग करवाते हैं मुखिया जी। फाड़ दे गई रिकाउंटिंग, भरोसा दिलाकर धोखा दिया। ए चल दे, चल। दामाद जी, आप इस पागल के मुंह क्यों लगते हैं? एक पुरानी कहावत सुनी है, बिल में हाथ डालोगे तो सांप काटेगा ही। मेरी राधा को दर्द दिया था। अब तुम सरपंच की पत्नी हो, सिर्फ एक दीपक नहीं, जितना चाहो उतने दीपक जलाओ। सब इस मनहूस की वजह से हुआ है, उसे छोड़ना मत, मार डालना उसे, इसका सिंदूर मिटना चाहिए, और अगर तुमसे नहीं होता तो मैं ही मार डालती हूँ। बच्चे की आस दिखा कर वापस भी ले गया ऊपर वाला, आपको ना बचा सकी तो मैं कसम खा कर कहती हूँ मौत आएगी तो आपसे पहले मैं मरूंगी। क्या करें, वो सरपंच अपनी पार्टी का आदमी था, ऐसे लोगों की वजह से ही तो मैं आज एमएलए बना हूँ। ये जोगेंद्र भोगेंद्र कौन है? ऐसे मत बोलो भाई, क्योंकि देखना वो आगे हमारे बहुत काम आएगा। पंचायत में उसे 15,000 वोट मिले हैं। आने वाले 6 महीने में असेंबली के चुनाव हैं। कुर्सी खोने वाले को साथ में बैठाएंगे तो उसका शनि हम पे लग जाएगा, ये बात याद रखना। ठीक तो हो ना देवर जी? ऊंचे पद पे रहने वाले हमेशा खुश रहते हैं भाभी, साथ बैठने वाले नहीं। तभी हम खुश रहेंगे, ये बात आप भी याद रखना। यहाँ शिकार पर आया हो, हाथ में बंदूक है और साथ में इस तकले को लाए, इसे भारी रखते हैं। चुप भाई। ये मीटिंग खत्म होने के बाद जो चाहो वो करना, तब तक ये लो, मैं अपनी गन नहीं रख रहा हूँ, ये याद रखना। जोगी, जोगेंद्र। नमस्ते। हाँ। आजा। नमस्ते। खड़ा क्यों है, बैठ जाना। उठ, मेरे सामने कुर्सी पर बैठेगा। भिखारी कहीं का, जमीन पर बैठ, चल बैठ। हाँ, राम नारायण, जो हुआ सो हुआ, छोड़ दीजिए ना। अरे क्या छोड़ दूं? आप जानते क्या हो, आप चुप रहिए। ओए, एमएलए, पुलिस, मिनिस्टर, किसी के भी कहने पर तुझे नहीं छोड़ूंगा, मार दूंगा। लेकिन मैंने कॉम्प्रोमाइज के लिए बुला था, ये बात याद रखना। कॉम्प्रोमाइज गई भाड़ में।
मैंने पत्नी से वादा किया है कि ये जैसे ही गांव में कदम रखेगा मैं इसे मारूंगा। पति के मरने के बाद इसकी पत्नी घर घर जाकर भीख मांगेगी और ये सब देखकर मेरी पत्नी खुश हो जाएगी। मेरी राधा मेरी जान है सर, भीख मांगती तो मुझे अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मार दिया। भाई सामने नहीं बाजू में देखो, 15,000 वोट हैं। सीआई, इस सरपंच ने कल जोगेंद्र पर अटैक किया था। हाँ भाई, उसका सबूत भी है। है भाई वो कान, ये जरा कान दिखाना। आज इसे कॉम्प्रोमाइज के लिए बुलाया था तो मेरे ही सामने मारने के लिए इस पर हमला कर दिया। भाई अपने बचाव के लिए मेरी गन से इसने गोली चलाई। हाँ भाई आपने तो देखा था, हमारे देखा लोगों ने भी देखा था। देखा। मुश्किल है सर। सर प्लीज सर, कोर्ट में केस नहीं हो पाएगा सर। लेकिन क्यों? अगर खुद का बचाव प्रूव करना है तो बॉडी में गोली सीने में लगनी चाहिए। सामने भी मार दो, अब तो प्रूफ हो जाएगा ना सर। तू है कौन बे? ए, तू बेवकूफ है या हमें बेवकूफ बना रहा है? ये सब मैंने राधा के लिए किया। राधा? बेटा जोगेंद्र, तू 100 साल जिएगा राजा। थैंक यू। ये देखा, एमएलए ने खुद साइन किया है। अगर ये कॉपी तुम्हारे पास है तो तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। मेरी बहन की शादी तय हो गई है, दहेज में 30 लाख रुपए मांगे, 20 लाख का खर्चा तो आएगा ना? लग जाएंगे सर। जाओ लेकर आओ। सर ऐसे मांगना गलत है ना? पता है दहेज मांगना गलत बात है, पर क्या करे, मेरी बहन है, पुलिस वाला हूं तो क्या हुआ, शादी तो करनी पड़ेगी। तो पैसे लेकर आओ और इसे ले जाओ। ऐसे क्या देख रहा है? उस सरपंच को जैसे मारा वैसे मुझे भी मारना चाहते हो क्या? ट्राई कर। आखिर पुलिस वाले से दुश्मनी मोल लेकर हमें क्या मिलेगा? सर, ए, सर के लिए कुर्सी लेकर आओ, बैठिए ना सर, बैठिए, बैठिए। लगता है तुझे कुर्सी से बड़ा लगाव हो गया है। बड़ी बड़ी कहानी सुनाता है तू। मैंने अपनी गन चलाई तो तूने अपना हाथ सामने कर दिया, यहाँ भी तू बच गया ना, मेरा ट्रांसफर हो गया। क्या खेल खेला सर, मैंने तो बाबा एक्टिंग कर रहा है। मेरे थाने में छोटे मोटे चोर भी तुझसे अच्छी एक्टिंग करते हैं। याद रखना, जवानी में बंदर भी सुंदर दिखता है और पावर होने पर कुत्ता भी शेर समझता है खुद को। मेरे वापस आने तक ये कुर्सी का खेल समझ लेना, प्रोफेशनली खेलेंगे। मैं अपना बदला जरूर लूंगा, याद रखना। जल्दी अपनी सेहत का ख्याल रखना सर। एमएलए है, लो बात करो। सर जोगेंद्र वो चला गया ना? हाँ बस अभी भी गए। डिपार्टमेंट में इस जैसे गधों की वजह से ही हम जैसे नेताओं का नाम बदनाम होता है। जाने दो, पिंड छूटा, एफआईआर की कॉपी मेरे ही पास है। सर थैंक यू सर। आते वक्त 1 करोड़ साथ लेकर आना, इलेक्शन आ रहे हैं ना, 5 साल तुम्हारे भी काम आऊंगा। सर सर जी सर।
क्या है ये? ले जाओ इन्हें, फिर भी रख दो, जरूरत पड़े तो बेच दे। तुमने गहने उतार दिए हैं तो ये पत्थर के बराबर है। मैं कुछ न कुछ कर लूंगा, तुम ज्यादा दुखी मत हो। जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें महारानी की तरह रखूंगा। जाओ। भाई जोगेंद्र का फोन। इतनी जल्दी? तुम मुझे कितना चाहते हो जोगेंद्र? सर सारा पैसा लोगों के पास है, जितना भी जमा कर लूं लेकिन 1 करोड़ तो नहीं हो पाएगा। राधा के गहने बेचकर हो सकते हैं लेकिन वो नहीं बेचूंगा। राधा तुम्हारी पत्नी है ना? काफी कुछ सुना है मैंने, अपने गांव की मिस इंडिया है। सर उसे 1 करोड़ के बदले में अपनी राधा को भेज दो, वो FIR की कॉपी ले जाएगी। मेरे जैसे नेता कुछ भी फ्री में नहीं करते हैं ना। राधा को गेस्ट हाउस भेज दो, वो तो प्रेग्नेंट भी नहीं हो सकती, कोई टेंशन ही नहीं है। कोई नहीं सर, मैं पैसे ही ले आऊंगा। बुरा मान जाएंगे। 1-2 नहीं 4 गांव से। चुप रहिए सर, बहुत कोशिश करने के बाद भी 30 लाख ही इकट्ठे हुए। राधा बोल रही थी मेरे गहने बेच दो, जब उसी के लिए ये सब कर रहा हूं तो फिर गहने क्यों बेचता? बोले थे कि पैसे नहीं तो पत्नी को भेज दो। कसम से सर बहुत बुरा लगा था मुझे, क्या मैं इतना कायर हूं? आखिर मर्द हूं मैं भी। पैसा पैसा करके चिल्ला रहा था ना, तेरी तो ये ले 5 लाख 10 लाख 20 लाख, ये ले 1 करोड़ ले, कहां रखेगा बता। दामाद जी ये मर गए क्या? हाँ बाबा मर गया। मेरे आने से पहले तुमने ही ने मारा है ना? मैंने कब मारा बाबा, शिव जी की आज्ञा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। उनकी कृपा मुझ पर हुई तभी तो मैंने इसका पत्ता हिला दिया। अब आप ही बताइए मैंने कुछ गलत किया क्या? इस इलेक्शन में 1 भी वोट नहीं खरीदा, ना ही पैसे बांटे, सारे वोट ईमानदारी से मिले कि नहीं? उसके बाद क्या हुआ? वो सरपंच मुझे मारना चाहता था, उस CI ने 50 लाख मांगे, उसके बाद ये कमीना 1 करोड़ मांग रहा था, इसकी तो मैं लेखा पैसे। रहने दो, रहने दो। ये कुर्सी पर बैठने वाले सारे भ्रष्ट होते हैं। कुर्सी अब मैं बताता हूं कि कुर्सी का असली खेल क्या होता है। MLA MP सरपंच नहीं, डायरेक्टली CM। बाबा अपनी कसम खा के कहता हूँ, राधा की कसम खा के कहता हूँ, अगले 5 सालों के अंदर CM की कुर्सी मेरे नीचे हो। तुमने 5 साल कहा क्या? आपने ठीक सुना बाबा। MLA को मार दिया तभी तो तुम्हें फांसी की सजा मिली है। मैं खुद MLA बना। तुम कैसे बन गए? इसीलिए मैंने पूरी बात सुनाने को कही थी, लेकिन आप आया ठोका मारा शॉर्टकट में सुनाने को बोले थे, अब देखो पूछ रहे MLA कैसे बना। चुपचाप बैठे रहिए। आप बताइए सर। सोचा था पुराना दुश्मन मर गया, लेकिन तब उसका भाई मुनार मैदान में उतरा, अपना MLA भाई चला गया उसकी सिंपथी में, उसका भाई मुनार जीत गया तो मालकिन, क्या हुआ? मालिक को उसी ने मारा था, उसी ने MLA बनने के लिए भाई को हमारी आंखों के सामने मारा था।
वो अभी इलेक्शन में बिजी है, इसलिए हम लोग भाग कर यहाँ आए मालकिन। हम नहीं माने तो हमें भी मारने की कोशिश की। सच कह रहा हूँ मालकिन, वो बहुत खतरनाक है। कौन है वो? जोगेंद्र साहब, आप तो ये 6 फुट के महान इंसान बन गए हैं, लेकिन 6 साल की उम्र में जब नन्हे कृष्ण बनकर खेलते थे तब से मैं जानता हूँ। तालियां। चिरंजीवी जोगेंद्र जी एक बार विश्राम के लिए बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गए थे। लगभग 20 फुट लंबा शेषनाग हुंकार भरता हुआ आया। हम लोग भयभीत हो गए, लेकिन श्रीमान महाविष्णु के अवतार। दामाद जी, मुझे सब समझ में आ गया कि बड़े लोगों की चापलूसी कैसे की जाती है। और सेवा में खड़े रहे। तालियां। अब आपके प्रिय नेता जुगेंद्र बाबू कुछ बोलेंगे। भाई मेरा नमस्कार। मेरे पति और आपके बड़े भाई चौधरी का खून करने वाला, इन तीनों को पीटने वाला एमएलए पद के लिए खड़ा होने वाला है, वो कोई और नहीं, मेरा ही देवर मुनार है। इन तीनों को लोरी सुनाने के बाद एमएलए को सुलाया था, ये बात मेरे बाबा भी नहीं जानते थे। आपके बड़े भाई चौधरी को न्याय मिलना चाहिए और मुनार को सजा देने के लिए आप सब लोग जोगेंद्र भाई को वोट देके जिताइए। जोगेंद्र भाई जिंदाबाद। जोगेंद्र भाई जिंदाबाद। जोगेंद्र भाई जिंदाबाद। जोगेंद्र भाई जिंदाबाद। इंद्र वचन भद्रा इति जन चंद्रा जोगेंद्रा जन मन नायक राजेंद्रा कलयुग का तू है इंद्रा रुद्र चंद्र भद्र रुद्र जय हो जय हो जोगेंद्र। तुम्हारी पूजा करूं नहीं करूंगा, तुम्हारी दान पेटी में पैसे डालूं नहीं डालूंगा, सब अपने पास रखूंगा, क्या करूंगा देखते हैं। ना किसी से तू कम, तुझ में है वो दम, साहस का परचम लहराए तू हर दम। भाई को देने के लिए पैसे नहीं है, यहाँ शादी के लिए आ गए। 3-4 दिन में दे देंगे। अच्छा, जब तक पैसे नहीं मिलते लड़की हमारे पास रहेगी। ओए उठाओ इसको, चलो घूर क्या रहा है। मैंने कोई गलती नहीं की। पहली बार गलती ना करने वाले की आंखों में इतनी हिम्मत देखी, मुझे लगा कि इसे मेरे साथ होना चाहिए। होने वाले जनरल इलेक्शंस में मैं हारूं या जीतूं, लेकिन मुझे ही सीएम बनना है। 250 एमएलए को खरीदना है, हर एक को 25 लाख देंगे तो 6250 करोड़ चाहिए। दुश्मनों का दुश्मन अपनों का हमदम, कोई ना तुम सा बाटे तू सबके गम। जोश में जब तू चले तो युग चले ये तुझसे, शिखर में तू है शिवा, संकल्प में है तू बल मेरे।
चंद्र वचन भद्र हित जन चंद्रा जोगेंद्रा। आइए माँ जी, आप जाइए। नमस्ते साहब। साहब साहब मुझे बचाइए साहब। हे शिवा, बेचारी बूढ़ी है, आने दे उसे। लैंड कब्जा, सेटलमेंट्स, एक नंबर की पूरे देश भर में घूमने वाली वॉल्वो बस सर्विस। ऐसा वैसा नहीं, जहां पैसा बरसेगा वहां खाली थैले लेकर बैठना पड़ेगा। गल्ले पर करोड़ों की बारिश होनी चाहिए, देश में भूचाल आ जाना चाहिए, वही पैसों की खेती होगी। वी आर मनी फार्मर्स। जगमन नायक राजेंद्र, कलयुग का तू है इंद्र, रुद्र चंद्र भद्र रुद्र जय हो जय हो जोगेंद्र। सुन लो, मुझे आउट करने वाले को इतना मिलेगा। दीपक जलाने के लिए तू मंदिर नहीं जाती तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता, है ना? क्यों बाबा, मंदिर जाना गलत है? गलती उन्होंने की है। मेरा राजा जो करता है मेरे लिए करता है, उनकी गलती भी मुझे सही ही लगती है। पागलों की तरह जिंदगी भर मुंह खोल कर ही खड़ा रहेगा क्या तू? जहाँ इज्जत मिल रही थी वो भी अब मिट्टी में मिल गई। तुझ में शर्म नाम की चीज नहीं बची। 3 सालों से उस जोगेंद्र को मार देगा, काट देगा, उड़ा देगा कह रहा है ना तू? क्या उखाड़ लिया? मारना तो छोड़, तू उसके शरीर का एक रोआ तक नहीं उखाड़ पाया। तू सबको उसकी सुपारी देता फिरता है ना, और वो उन सबका शमशान में प्लॉट बुक कर देता है। तेरी इज्जत चप्पल आएगी बची है? खा तू, ये ले और खा। अरे वो बहुत चालाक लोमड़ी है। अरे वो चालाक लोमड़ी नहीं, लोगों का मसीहा है, सोना है, चांदी है, और तू एक नंबर का गधा। उसे बड़ा करने वाला तू ही, अब क्यों रो रहा है? उदयनगर के एमएलए जोगेंद्र पे कुछ गुंडों ने जानलेवा हमला किया, लेकिन एमएलए जोगेंद्र उस हमले से सही सलामत बच निकले। पर एमएलए के सहयोगी शिवा उस हमले में बुरी तरह घायल हुए हैं। हमला करने वालों ने गोलियां चलाते हुए बचकर पुलिस से रिमोट। क्या कर रही हो? अरे बच्ची हो क्या? नहीं है ना?
सरकारी नौकरी न मिलने पर एक लड़का दुखी होकर वाटर टैंक पे चढ़कर आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा है। इस घटना का लाइव टेलीकास्ट आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। नहीं, मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा। अगर कोई ऊपर आने की कोशिश करेगा तो मैं नीचे कूद जाऊंगा। जिसकी जैसी पढ़ाई उसको वैसी नौकरी मिलेगी, यही बोलते वोट लिया था ना? कहाँ है वो सरकार? बुलाओ सरकार को। इस निर्णय पर दृष्टि क्या आपकी? दृष्टि की तो शादी हो चुकी है भैया, टॉपिक दृष्टि का नहीं है, स्वाति का है। ओए स्वाति, मुझसे नहीं पढ़ी तो तुझसे कैसे पढ़ जाएगी? नीचे आजा। ओए वो स्वाति के चक्कर में ऊपर नहीं चढ़ा हुआ है, उसको नौकरी चाहिए। ओए भगत, फेसबुक पर लाइव है तू, तक 100 लाइक्स मिल चुके हैं तुझे, कूदने की जल्दी मत कर। हाँ। एक घंटा रुक जा, 1000 लाइक मिल जाएंगे। अबे 150, अबे 200 हो रहे हैं, रुक जा रुक जा। कोई ऊपर नहीं आएगा, अगर किसी ने आने की कोशिश की। जाओ जल्दबाजी में कोई फैसला मत लो, अपनी माँ के बारे में सोचो, तुम्हारे लिए हम बात करेंगे, मेरी बात मानो, नीचे आ जाओ। भैया मैं, आखिर बात क्या है? हमारा रिकमेंडेशन लेटर नहीं जा पाया। क्यों? दूसरा लड़का मिनिस्टर का लेटर ले आया था। हाँ तो एमएलए से ज्यादा मिनिस्टर पावरफुल है भाई। हाँ मैं मिनिस्टर बनूंगा। क्या मिनिस्टर? कब? अभी। सुनिए माँ जी, वो बेकार का लेटर मैंने ही दिया था। अपने भाई को नौकरी तक नहीं दिला सका, फिर चाहे वो एमएलए हो या एमपी हो। अब मारिए ना माँ, मारिए मुझे। दामाद जी, आपने एक ही थप्पड़ से आत्महत्या करने वाले को नीचे कैसे उतार दिया? हमें चढ़ना है तो किसी को तो उतारना पड़ेगा। काम करने क्यों चला था? क्यों मुझ बुढ़िया को छोड़कर जाने का सोचा? मेरे भाई मुझे माफ कर दो, तुम्हें सरकारी नौकरी मिलेगी, अपॉइंटमेंट लेटर मैं दिलवाऊंगा। मरकर हम कुछ हासिल नहीं कर सकते, मार कर हासिल करेंगे। शिवा हाँ भाई, छोटे को ले जाओ और टेंट लगवाओ। ठीक है चलो। ए तुम दोनों इसका सपोर्ट करो, समझ गए? जाओ। लेकिन टेंट किस लिए भाई? मुझे मिनिस्टर जो बनना। दामाद जी, टेंट लगवाने से कुर्सी कैसे मिल जाएगी हमें? बाबा एक पुरानी कहावत है, मैं बताता हूँ, काम करे कोई और, भरे कोई और, है ना भाई? तिरुपति, अगर सांप को बिल चाहिए तो चींटियों को ही मेहनत करनी होती है। जब तक ये कहावत तिरुपति को समझ में आए, स्टेट के सारे स्टूडेंट्स ने टेंट लगा लिए थे। काम चोरी वाले कुछ गवर्नमेंट सर्वेंट्स ने आकर हाथ मिला लिया उनसे, फिर बस। और क्या था, पूरे राज्य में तहलका मच गया। और तभी उसी झगड़े में कई पुलिस वालों के सर फोड़ दिए गए थे। वो रक्तदान आप ही की देन थी बेटा। करना पड़ा था, राजनीति में आने के बाद परेशानी किसी की भी हो, हमें बस फल मिल रहा है ना, ये देखा जाता है। उसके बाद जो मैं चाहता था बस वहीं से फोन आया। ये किसने किया ये तो पता नहीं, लेकिन उसने एकदम सीधा मेरी सीट के नीचे बॉम्ब रख दिया। आज सुबह से ही पार्टी के प्रेसिडेंट ऐसे नोच खा रहे हैं जैसे मैंने कुछ लूट लिया हो, और दूसरी तरफ विपक्ष के लोग मीडिया के साथ मिलकर मेरी बैंड बजा रहे हैं। आपकी सारी प्रॉब्लम्स का मेरे पास सॉल्यूशन है सर। हाँ बोलो। शहर में जो स्टूडेंट की प्रॉब्लम है वो तो आपको पता ही है। बैठ के बताओ। इसमें तुम्हारा क्या फायदा है? मुझे मिनिस्ट्री चाहिए सर। हाँ मतलब सही वक्त पर आकर मदद कर रहा हूँ ना इसलिए। देखो बेटा, तुम एमएलए रहो यही बहुत है, तुम्हारा बैकग्राउंड मैं जानता हूँ। मेरे एक्सपीरियंस से मेरे बाल सफेद ही नहीं अब झड़ने भी लगे, इसीलिए जाओ। लेकिन मैंने मिनिस्टर बनने की ठान ली है सर। मक्खन से चुपड़ी रोटी खाने के सपने मत देखो, वरना सूखी रोटी खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। हाँ एक रास्ता है, विजयवाड़ा हाईवे पर 2 टोल गेट दिलवा दूंगा। एक पुरानी कहावत है सर। और वो क्या है? आप हमारे शहर आएंगे ना तब बताऊंगा। ये क्या दामाद जी, सीएम ने तो इनकार कर दिया, भलाई का तो जमाना ही नहीं है, है ना भाई? तुझे इतना धार्मिक नजर आता हूँ क्या? अरे जो आग लगाता है ना उसे ही सिगरेट जलाने का हक है, अगर अभी हम चुप रह गए ना तो कोई तीसरा खाना पका लेगा, अगर ये नहीं तो कोई और सही। तेरी चालाकी मेरे सामने नहीं चलेगी, स्टेट का होम मिनिस्टर हूँ, तू मेरे ही डिपार्टमेंट की है सोचकर तुझे प्रमोट किया, बेडरूम में ही सेवा करने को कहा था, किसी और से शादी करने जा रही,
ध्यान रखना चाहिए था। डॉक्टर ने कहा अब कुछ नहीं हो सकता। वो साली डोनेशन देकर डॉक्टर बनी। हम इसे अभी हल किए देते हैं। गुरुजी गुड मॉर्निंग। नमस्कार सर। इस तरफ कैसे आना हुआ? सर हमें आजादी मिलने के बाद वास्तव में सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री बनना चाहिए था, लेकिन कुछ पॉलिटिक्स की वजह से नेहरू जी बन गए, मैंने ऐसा सुना था। अब वो दोनों ही नहीं है तो उनकी याद क्यों आ गई? सर वो कास्ट की वजह से किसी को सीएम बनाना और आपका होम में एडजस्ट करना सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। मुद्दे की बात करो। कुछ नहीं सर, पूरी रात आपके बारे में सोचा। अभी सुबह ही आंख लगी थी। ब्रह्म मुहूर्त का समय होगा कि मुझे सीएम की कुर्सी दिखाई दी, उस पर आप पैर पर पैर डालकर एक राजा की तरह। इतनी सी बात बताने हैदराबाद चले आए? उसे सच करने आया हूं सर। कुछ नामुमकिन बातें सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं। बोलो। सर अनशन रोकने के लिए सीएम आने ही वाले हैं। नींबू पानी देकर स्टूडेंट्स का अनशन तोड़ेंगे। उस नींबू पानी में अगर हम जहर मिला दें तो पीते ही बिना लोरी के स्टूडेंट्स सो जाएंगे। मौजूदा सीएम को जेल में डाल देंगे। नए सीएम बनकर आप शपथ ग्रहण कर रहे हैं। बाजू में गवर्नर और सामने सारे एमएलए सब तालियां बजा रहे हैं, लेकिन आप दूर खड़े बस मुझे देखकर मुस्कुरा रहे हैं। उस नींबू पानी में जहर कौन मिलाएगा? सर डिपार्टमेंट ही आपका है। सीएम के बाजू वाले कांस्टेबल से कह दीजिए वो मिला देगा। उसे एसआई बना देंगे, अपने पीए से बुलवाइए। कौन सा जहर मिलाना है, कैसे मिलाना है, उसे मैं बता दूंगा। इसमें तुम्हारा क्या फायदा होगा? नए सीएम साहब मुझे मिनिस्टर बनाएंगे। गुरुजी मैं आपका एकलव्य शिष्य हूँ। मांगने पर अपना अंगूठा ही नहीं बाजू वाले का भी काट कर दे सकता हूँ। अगर आप पर कोई मक्खी भी बैठ जाए ना तो ऑल आउट की तरह खा जाऊंगा। अब कौन सी मिनिस्ट्री देंगे वो आपकी मर्जी। श्री गुरु भ्यो नमः। स्टूडेंट्स यूनिटी जिंदाबाद। सिफारिश बंद होनी चाहिए। 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 सबको मेरा नमस्कार। रिकमेंडेशन से नौकरी देने की वजह से काबिल नवयुवकों में निराशा फैल रही है, इसलिए अब से सिर्फ काबिलियत पर ही नौकरी मिलेगी। रिकमेंडेशन या पैरवी कुछ काम नहीं आएगी और इसके लिए एक उच्च स्थायी कमेटी बना रहा हूं। और अगर ऐसी गलती दोबारा हुई तो मैं अपने सीएम पद से इस्तीफा दे दूंगा। वो क्या इस्तीफा देगा, हम खुद ही छीन रहे ना सर। कसाईवाड़े में हर मुर्गा कटने से पहले खूब फड़फड़ाता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो आजाद हो जाएगा, क्योंकि उसके भाग्य में ही कटना लिखा है। स्टूडेंट्स यूनिटी जिंदाबाद। सीएम साहब जिंदाबाद। सीएम साहब जिंदाबाद। स्टूडेंट्स यूनिटी जिंदाबाद। रुकिए सर, उसमें जहर मिला है। ये क्या सर, बम इधर उधर उछाल कर आपके ही नीचे लगा। दामाद जी, मिनिस्टर को तुम पर भरोसा था, उसे धोखा क्यों दिया? ओए, भरोसा करने वाले को ही धोखा दे सकते हैं ना। वैसे बीच में मुझे एक डाउट आ गया था ससुर जी। कैसा डाउट? अगर मौजूदा सीएम को हटा दें तो ये होम मिनिस्टर ही सीएम बनेगा, उसकी क्या गारंटी है? अगर वो नहीं बना तो हमारे फ्यूचर का क्या होगा? इसीलिए एक पुरानी कहावत याद आ गई मुझे। हाँ, भैंस पर बैठकर नदी पार करने चले थे, यही ना भाई? वो नहीं तिरुपति, तो शिरडी जाने के लिए शिरडी की बस पकड़नी चाहिए, ना कि सिटी बस।
कांग्रेट्स जोगिंदर, फर्स्ट टाइम एमएलए बनने के बावजूद डायरेक्ट मिनिस्ट्री पाली, कल्चरल अफेयर्स सांस्कृतिक शाखा। ये कुचिपुड़ी डांस माइक सेट मीटिंग से मुझे क्या सर, होम मिनिस्ट्री देंगे सोचा था। जोगिंद्र वैसे ही बाकी एमएलए रो रहे हैं, मेरे पास सिर्फ 4 डिपार्टमेंट है, वो भी ना कहीं छिन जाए। लोरी मत सुनाइए मुझे सर, कई लोगों को सुला कर यहां तक पहुंचा हूं। आप बड़े हैं, आपको जो सही लगे वो कीजिए। जोगिंद्र मेरी बात तो सुनो। जोगिंद्र भैया, जोगिंद्र भैया, जोगिंद्र भैया, जोगिंद्र भैया, जोगिंद्र भैया। खुशी में तू शामिल है राधा, राधा ओ राधा कर ले ये वादा, एक पल भी दूर मुझसे होना ना राधा। फूलों की माला सुरों की बीना, पानी का तू झरना, अरे खुशी तुझी से हंसी तुझी से, तेरे जैसा और कोई भी ना ना ना, धुनक दिल ना 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 ना। राधा ओ राधा, ओ राधा ओ राधा, ओ मेरी राधा, मेरी हर खुशी में तू शामिल है राधा। हमारे डिपार्टमेंट के आप ही मिनिस्टर हो, आप मुझे बहुत पसंद हो। संग चलूं हरदम, तेरे लिए जन्म है लिया, तेरी बाहों में ही सजना गुजरेगी अब तो जिंदगी। हो 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 जोगिंद्रा जोगिंद्रा, जोगिंद्रा जोगिंद्रा, जोगिंद्रा जोगिंद्रा जय बोलो जोगिंद्रा, राजा तू मंत्री तू ही सबका जोगिंद्रा। माँ को मेरा नमस्ते कहना। ये क्या सर, सीएम सर ने कहा था कि रिकमेंडेशन नहीं चलेगी, इसीलिए अपॉइंटमेंट लेटर दिया है, जाकर नौकरी ज्वाइन कर लो। सारे लीडर जेल क्यों जाते हैं उसका कारण मुझे आज पता चला। सिर्फ चिकन ही नहीं सर, आजकल आप जैसे लोगों के लिए जेल 5-स्टार होटल बन गए, फुल फैसिलिटीज है। सर आपसे मिलने कोई लेडीज आई? अरे बाप रे, ये फैसिलिटी भी है यहाँ। मेरा नाम देविका रानी है, फोकस टीवी से। आपके और जोगेंद्र के बीच इससे पहले कोई मनमुटाव था क्या? मनमुटाव किस बात का, वो मेरा साला है या जीजा है,
अरे मुझे तो उसकी शक्ल भी ठीक से याद नहीं। तो इतना ब्लाइंडली फेथ कैसे कर लिया? एक चालाक बिल्ली को चूहा बेवकूफ बना गया, बहुत ही सिल्ली गेम खेल गया, रंगे हाथों पकड़वा गया। केस साफ हो जाने के बाद पछताने का क्या फायदा सर? वो क्या है ना मैडम, जोगिंदर आया, गुरुजी कहा, खुद को भगवान समझ बैठे, मैं सीएम बनाऊंगा कहा, ये सुदर्शन लेकर रथ पर सवार हो गए, उसने वहाँ लगाम कसी तो ये यहाँ आकर गिर पड़े। एक बात तो बोलनी ही पड़ेगी मैडम, मैंने बहुत से गधों को देखा है लेकिन जोगिंद्र जैसे शातिर इंसान को पहली बार देखा है। Which brand do you smoke? Davidoff. Can I taste? Sure. उस जोगिंदर को अगर एक्सपोज करना है तो नींबू पानी में जहर मिलाने वाले होमगार्ड साहू से जाकर। साहू, साहू, पुलिस या मीडिया, किसी के पूछने पर क्या कहोगे? मिनिस्टर साहब ने करने को बोला था। क्या बोला था? जहर मिलाने को बोला था सर। किसमें? सीएम साहब जो नींबू पानी देंगे उसमें। नमस्ते सर। बात करते वक्त इसके कान हमारी तरफ जरूर थे लेकिन आंखें पैसों पर ही थी। शिवा जैसे हमने आज दिए कल कोई और देगा तो तोते की बोली बदल जाएगी। लोग पैसों के कितने लालची हो जाते हैं। चलो ये होमगार्ड साहू का घर कहाँ है? अब ना वो है ना मेरा बर्तन, पता नहीं कहाँ चले गए। मेरा घर बार सब छीन लिया उस कमीने जोगेंद्र ने, मेरे पति को मारकर मुझे सड़क पर बिठा दिया, वो मिट्टी में मिल जाएगा। गुड इवनिंग, वेलकम टू फोकस टीवी, दिस इज देविका रानीज ब्लैक एंड व्हाइट न्यूज। राज्य की राजनीति में हलचल मचाने वाले होम मिनिस्टर का अपराध सच में उन्होंने ही किया था या होम मिनिस्टर को उस अपराध में फंसाया गया है? अगर ये बात सच है तो वो पॉलिटिकल माफिया की कौन है? ब्याज के व्यापार से राजनीति में आकर बहुत कम समय में बड़े पदों पर बैठकर सत्ता चलाने वाला वो दुर्जन राजा कौन है? हमारे फोकस टीवी के फोकस में अगले 24 घंटों में उसका पर्दाफाश किया जाएगा। देवी करानी फोकस टीवी के बाजीराव की लाडली बेटी है, अमेरिका से पढ़ाई करके हाल ही में लौटी है। उसके पापा ने बैठने के लिए कुर्सी क्या दे दी तो पब्लिसिटी के लिए आपके पीछे पड़ी है। देख लिया दामाद जी, इतना बड़ा रॉकेट जलाकर हमारे नीचे लगा दिया है। बिल्कुल नहीं डरती भाई, बहुत कोशिश करती हूं। जोगेंद्र की हिस्ट्री टेलीकास्ट होकर रहेगी, सिंगल फ्रेम भी एडिट नहीं होना चाहिए। ओके मैम, हमारे सारे इंटरव्यू फुटेज का ड्यूरेशन 5 घंटे का है, जैसा आपने कहा उसे 4 एपिसोड्स में स्प्लिट कर क्या चाहिए? मुझे खरीदना चाहते हो? मेरा नेटवर्क 3500 क्रोस का है, तुम्हारे जैसे बहुत से लोगों को खरीद सकती हूँ। मुझे धमकाना चाहते हो शायद, मैं डरने वालों में से नहीं हूँ, सब जगह सर्विलेंस कैमराज है, मेरे साथ कुछ भी हो सब रिकॉर्ड होता है। मेरे लापता होने के आधे घंटे में
तुम्हारी लाइफ पर जो टेप रेडी हुई है वो टेलीकास्ट हो जाएगी। आई एम सॉरी जोगेंद्र, बट योर गेम इज ओवर। अब तुम जा सकते हो। कुछ भी करो तो रिकॉर्ड हो जाएगा। कुछ भी करो तो रिकॉर्ड हो जाएगा। कुछ भी करो तो रिकॉर्ड हो जाएगा। पटेल जी, कुमार जी, बैनर्जी, मैडम आप भी बेल के पेपर्स दीजिए। सारी जमीन बेच दी है, सबको 5-5 लाख दिए हैं, जिसकी सिर्फ दो ही वजह है। पहली वजह है जोगेंद्र और दूसरी वजह है जोगेंद्र। टॉवल कहाँ है? ला रहा हूँ मालिक। गरम पानी लेकर आओ। हाँ ले आया मालिक। जल्दी लाओ। देख नहीं पा रहा हूं, पर देखे बिना रह भी नहीं सकता। तुम्हारा शक सही, राजनीति के लिए कोई और रास्ता नहीं था, मैंने गलती की है। जाओ ना करो। ए! संभल कर राजा, तुम फिसल रहे हो। साक्षात श्री कृष्ण भी जेल में पैदा हुए थे। अब आप ऐसे दुर्योधन की तरह परेशान बैठे रहोगे तो कैसे चलेगा? ये बात याद रखना। कहते हैं कि सर का इतिहास किताबों में पढ़ने के अलावा लाइव में कुछ है ही नहीं। ओए, शेर अगर एक कदम पीछे हटे तो उसका मतलब ये नहीं कि वो भाग रहा है, वो पलट कर वार करता है। ये मेरा वार है। गुड मॉर्निंग, होप यू हैव अ ग्रेट नाइट। वेलकम टू फोकस टीवी, दिस इज देविका रानीज ब्लैक एंड व्हाइट न्यूज। रायलसीमा में सेवा कार्य करते हुए मंत्री जोगेंद्र जनता के बीच अपनी छाप छोड़ रहे हैं। अगले 24 घंटे ये क्या बक रही है? राजनीति में बाकी लोग कोई कांड न कर दें, ये देखना काम रह गया है हमारा। इसलिए ऐसे ऐसे काम करोगे भाई? क्या दोबारा बोल जरा। जाने तो भाई। ए, बोल। कल? हाँ कल। क्या? उसके साथ। उसके साथ? राधा जी को बहुत दुख हुआ है भाई। मैं जो भी कर रहा हूँ सिर्फ राधा के लिए कर रहा हूँ। राधा जी को रुला कर ये मत कहो कि उनके लिए कर रहा हूँ। राजनीति में राधा के लिए ही आया हूँ, ये सब करना जरूरी था। गलती करने वाला हर इंसान ऐसे जब शब्दों से कुछ ना बोल पाओ तो हाथ ही उठता है। अब रुक रहा है तू? बाहर निकल यहाँ से। मुझे मारने से आपका गलत सही तो नहीं हो जाएगा ना भाई? बाहर निकल, गेट आउट। सच में चला जाऊंगा भाई। अबे जाता है यार। शेर का मतलब पलट के वार करने वाला कहा था ना। उस जोगेंद्र ने टीवी वाले को विदेशी पाउडर लगा के
शेर के दांत उखाड़ के पेस्ट ब्रश हाथ में दे दिया है, ये बात याद रखना। उस लौंडिया को कैसे सेट कर लिया उसने? वो जोगेंद्र है सर जी, ये माया मंत्र नहीं, उसने कोई और ही नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। तो नई टेक्नोलॉजी सर को नहीं पता क्या? टेक्नोलॉजी भी सही वक्त पर काम आनी चाहिए मतलब ना सर। सर की टेक्नोलॉजी काम नहीं करती क्या? मुझे क्या पता, टेक्नोलॉजी तो सबके पास होती है, उसे कब यूज करना है कहाँ करना यही जाना तो टैलेंट है, इसीलिए तो वो जोगेंद्र। मेरी टेक्नोलॉजी गई तेल में, हैप्पी? आर यू हैप्पी? हमें उसके वीक पॉइंट्स पता करने होंगे। उसे अपनी पत्नी से बहुत प्यार है सर। अपने सर को तो दूसरों की पत्नियों से प्यार है। और साथ में रहने वालों को बहुत मानता भी है। और धोखा देने पर सीधा मर्डर करता है, वार्निंग नहीं देता है सर। और चाहे उसे प्यार आए या फिर गुस्सा आए, उसी वक्त दिखा देता है सर। चाहे उसे प्यार आए या फिर गुस्सा आए, वो उसी वक्त दिखा देता है सर। क्यों बुलाया? शिवा ठीक तो हो ना? झगड़ा करने के लिए नहीं, बात करने के लिए बुलाया। वो कल तक ही मिनिस्टर थे, जाकर बात करो। मैं हूं ना, जाओ। क्या है? तुमसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं शिवा, हमारी दुश्मनी तो जोगेंद्र से है। शिवा इसमें 10 लाख हैं, ले ले और हट जा। जोगेंद्र को हम टपका देंगे, पर अगर तुमने मारा तो एक्स्ट्रा 10 लाख और दे देंगे। तुम्हारी बहन की शादी होने वाली है ना, तो धूमधाम से ही होनी चाहिए ना। आजकल देश में नए नोट छपे हैं, नई करेंसी, ले लो भाई। दुल्हन को सजाने के लिए एक्स्ट्रा कमरबंद बनवा लेना। शिवा जोगेंद्र कोई महात्मा नहीं है, कुर्सी पर बैठकर वो भी वही अय्याशी कर रहा है जो मैंने की थी, तुम्हें पता है ना। उसे हर हाल में मारना होगा, उसके मरते ही तुम मेरे राइट हैंड हो गए। अरे वाह शेख है। माँ भैया ने पैसे दिए, लड़के वालों से बात करके बहन की शादी की तैयारी शुरू कर दो। पैसों की बिल्कुल चिंता मत करो माँ, कहा जरूरत पड़े तो और पैसे भेज देंगे। माँ शादी का खाना गूगल और यूट्यूब में देखकर बढ़िया बढ़िया बनाएंगे। ओए बाल्टी, यूट्यूब में देखें, ये कोई शॉर्ट फिल्म नहीं है, शादी है, चुप कर भाई। ले लो शिवा। ये तू ही है ना, ये मुनार है ना, और ये सुभाष रेड्डी। उस बैग में क्या है? 10 लाख है ना? भाई मेरी बात तो सुनिए। माना मैंने वादा किया था तेरी बहन की शादी करवाऊंगा, काम में भूल गया हूँ, याद दिलाना चाहिए था ना। भैया मेरी बहन की शादी है, पैसा चाहिए बोलकर ले लेना था ना, उन कमीनों से हाथ मिला लिया। गलती कर दी ना राजा। राजा राजा शिवा कहाँ है? शिवा अभी भेज दिया क्या? हाँ। ऐसे क्या देख रहे हो, भूल गए ना, आज शिवा की बहन की शादी है, जाना है, चलो। ये कैसा दाग है? शादी के बाद भी ये सब हो सकता था ना? आप पर दाग लगे मुझे पसंद है। लड़की को जल्दी बुलाइए। शिवा भैया के आने तक मैं शादी नहीं करूंगी। नमस्ते मालकिन। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते साहब। नमस्कार जी। बेटी शिवा के बिना शादी नहीं करेगी कहा, शिवा को कहीं भेजा है क्या बेटा? वो देख क्या रहे हैं, फोन कीजिए। नमस्ते। नमस्ते। पंडित जी कह रहे हैं कि मुहूर्त का टाइम निकला जा रहा है। आइए मालकिन। आइए। आइए साहब। की बहन आपकी भी तो बहन है ना, जाइए बैठो बहन।
भी नहीं उठा रहा है। आप एक बार साहब से बात कर लो। शिवा को कहाँ भेजा है तुमने? ये लो, फोन करके बुलाओ उसे। करो ना। अरे शिवा, शिवा छोड़ो ना, मेरा हाथ। आई। ओए, ये शिवा जोगेंद्र भाई का आदमी है और मरते दम तक उसी का रहेगा। अगर अपने दिमाग से ये बकवास सोच नहीं हटाई ना, तो सिर काट डालूंगा। जानते हो ये पैसा मैं क्यों ले रहा हूँ? इस कमीने ने मेरे जोगेंद्र भाई पर जो अटैक किया था उसमें मुझे गोली लगी थी, ये उसी की पेनल्टी है। क्या हुआ शिष्य? जिन आंखों में अंगार आने चाहिए उनमें आंसू। पैर में कांटा चुभ जाए तो कांटे को निकालना चाहिए। दर्द के मारे आवेश में पैर को ही काट दोगे तो कैसे चलेगा? अब तक तुमने जो खेला है वो बच्चों का खेल था, लेकिन अब जो शुरू होगा वो असल शैतान का शैतानी खेल होगा। गलती करने वाला हर इंसान ऐसे ही बेकार है। भाई, मेरी बात तो सुनिए। ओए, शिवा जोगेंद्र भाई का आदमी है और मरते दम तक उसी का रहेगा। एक खिलाड़ी के रूप में मैं चाहूंगा कि हर भारतीय स्वस्थ और चुस्त रहे। तंबाकू स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को नुकसान पहुंचाता है। सभी तंबाकू पदार्थ खतरनाक और घातक है। अगर आप स्वस्थ और तंदुरुस्त रहना चाहते हैं तो तंबाकू से दूर रहें। मैं रहता हूं, आपको भी रहना चाहिए। आइए तंबाकू के सामने दीवार बनकर खड़े हों। स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। जोगेंद्र जी के जीवन चरित्र के प्रस्तुत करता है मीडियम अप्लायंसेस। बस कुछ ही देर में आपके दूरदर्शन पे सीधा प्रसारण। अपने ही आदमी को तुमने खुद मार डाला, इतना इंटरव्यू काफी है। ए, इस इंसान के मुंह पर कपड़ा डालकर फांसी पर चढ़ा दो, सारा झंझट ही खत्म। क्यों सर, जले पे नमक छिड़क रहे हो? वो कितने दुखी हैं कि उनका आदमी मर गया, और आपको ये सब मजाक लग रहा है क्या? मसालेदार कहानी है सर, आप कंटिन्यू कीजिए। उस दिन पता चला कि दुश्मन भी सबक सिखाता है। कार का दरवाजा नहीं खुल रहा है शिष्य। तेरे जीवन का बुरा समय शुरू हो चुका है। जरा उस तरफ तो देख। वहां नहीं शिष्य, अपनी बाईं ओर देख। शायद तुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब मुझे कैसे पता चल रहा है। जरा सामने देख। एकलव्य कह रहा था कि अंगूठा काट कर दे देगा। अब सिर्फ अंगूठा नहीं, तेरा सिर और धड़ सब चाहिए। जिस किसी ने भी इस धरती पर जन्म लिया है उसे एक न एक दिन तो मरना ही होगा। मरो। नहीं,
इतनी जल्दी मरकर आकाश में पहुंच गया? बच गया? क्या हुआ? तुम दोनों अब तक जिंदा हो, मुझे देखकर हार्ट अटैक से मरे नहीं? एक बार फिर से वीडियो स्लो मोशन में प्ले करके देखो। दबाओ दबाओ, जल्दी दबाओ। अरे मुझे नहीं, इसे दबाओ। हाँ, रिवर्स करो। बच गया और मैं मर गया। एक बात बता दे, हम और कितनी कोशिश करें, कौन से मुहूर्त में मरेगा ये बता दे। मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकता कोई। अपनी जिंदगी का मैं ही राजा हूँ, मैं ही मंत्री। मैं खुद डिसाइड करूंगा कि मुझे कब मरना है और तुझे कब मरना है, ये भी मैं ही डिसाइड करूंगा। इसीलिए तो वो जोगेंद्र है। मर गए। काम डाउन जोगेंद्र, लिसन टू मी एंड काम डाउन। वो राजनीति में ही पैदा हुए हैं, उन्हें सिर्फ सीएम की कुर्सी और उससे आया पैसा चाहिए। तुम्हें भी सीएम की कुर्सी ही चाहिए। तुम्हें डाइवर्ट करने के लिए वो इस जंग में तुम्हें डराएंगे। जल्दबाजी में नुकसान तुम्हारा ही होगा। 6 महीनों में इलेक्शन है। तुम ही कहते हो ना कि हर काम का एक तरीका होना चाहिए। तुम्हारे सीएम बनने के लिए भी मेरे पास एक तरीका है। जोगेंद्र, द सेवियर ऑफ द स्टेट। सोशल मीडिया में इस ऐप पर थाउजेंड्स ऑफ यंगस्टर्स को रिक्रूट करेंगे। जोगेंद्र ही इस राज्य को संभालने वाला नायक है। स्ट्रॉन्गली जनता भरोसा कर ले, इसीलिए हम 24/7 पब्लिसिटी करेंगे और तुम्हारा सीएम बनने का सपना पूरा हो जाएगा। मैं तुम्हें सीएम बनने तक नहीं छोड़ूंगी। पूरी शादी फेसबुक पे लाइव रखा है, पहुंचते ही। हेलो माँ जी, मैं शिवा का दोस्त हूँ, शिवा से बात करेंगे क्या? हाँ, एक बार दो ना बेटा, बात करनी है। शिवा नहीं है, ना आएगा ना आ सकता है। वो मर गया है। उस जोगेंद्र ने हमारे शिवा को मार दिया। माँ, शिवा मर गया। रवि, शिवा को जोगेंद्र ने मार दिया। बुढ़िया का माइक म्यूट हो गया सर। चेकमेट। आओ देविका। हाय गाइस। हाय मैम। जान पहचान में हम टाइम बर्बाद नहीं करते हैं। आप लोगों का मेन काम होगा मिनिस्टर जोगेंद्र जी के अपडेट्स को सोशल मीडिया पर वायरल करना। आप लोग अपनी जॉब में कितना कमा लेते हैं? एक एक को हम 60,000 देंगे। 60,000। Let me brief you about this. What you have to do is, in short, आप लोग सोशल नेटवर्किंग, फेसबुक, ट्विटर जैसे सोशल मीडिया को यूज करके इस काम को पूरा करेंगे। So simply कहें तो फलाने प्लेस में फलानी घटना हुई है, ये बात धमाके के साथ बताने के लिए सोशल मीडिया इज द बेस्ट ऑप्शन। उस धमाके को आपको रिसाउंड करना होगा। परफॉर्मेंस के मुताबिक बोनस भी मिलेगा। मेरे फेसबुक में 30,000 फॉलोअर्स हैं मैम। लड़की हो ना, होंगे। चाहे तो लड़के भी लड़कियों की फोटोज लगाकर फेक अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करो, कोई देखे या ना देखे। लड़कियों की प्रोफाइल को हर मर्द ढूंढ ढूंढ कर देखता है। पूरे 1,000 लोग चाहिए। हर एक को 100 अकाउंट्स ओपन करने होंगे, मतलब
पूरे 1,00,000 अकाउंट्स होंगे। तुम जो भी पोस्ट करोगे उस पर लाइक और शेयर होना चाहिए। होने वाले इलेक्शंस में जोगेंद्र जी का नाम सुनाई दे या फोटो दिखाई दे, आंखें बंद करके वोट आनी चाहिए। दैट इज आवर वन एंड ओनली गोल। आर वी क्लियर सो फार? यस मैम। आप सभी को रिक्रूटमेंट ऑर्डर्स मेल कर देंगे। लेट्स स्टार्ट विद अ बैंग। गुड लक। ओके बाय, मैं भी चलती हूँ। एक मिनट राधा। राधा, देविका रानी, फोकस टीवी चेयरमैन। हेलो राधा जी, आप सच में लकी हैं। इनकी 10 बातों में से आधी बातें आपके बारे में होती हैं। नींद में भी मेरे ही बारे में सोचते हैं। इन्हें नींद भी आती है? ठीक है, मैंने कहा है सीएम बनने तक मैं इन्हें सोने नहीं दूंगी। बाय राधा जी, मिलते हैं। राधा, मैं छोड़कर आता हूं। मेरा पति गलत करे तो भी सही है, यही कहा था ना। अब सीधे उसे घर पर लेकर आ गया, ये भी सही ही है ना। कोई बात नहीं, ये टॉर्च पकड़ो, मैं नीचे जाकर जनरेटर चालू करवाता हूँ। अरे तिरुपति, जनरेटर ऑन करो। बार बार ऑन करो लेकिन कुछ प्रॉब्लम है। बाबा, टॉर्च लाइट लेकर आओ। हाँ लाया दामाद जी। सांसें रोक लो। कहाँ है वो? तुम शिवा के भाई हो ना? कौन हो सकता है? दरअसल वो यहाँ तो सब रिश्तेदार की तरह ही हैं। कल जो लोग यहाँ पर आए थे उनमें से किसी ने किया होगा। अरे मुंह बंद कर अपना। सर, मुनार और पूर्व होम मिनिस्टर ने हाथ मिला लिया है। मुझे शक है कि उन लोगों ने ही किसी को भेजा होगा। रिपोर्ट्स आने में कितना वक्त लगेगा? 2-3 दिन तो लगेंगे ही सर। आते ही फोन कीजिएगा। ठीक है सर। ए, सुनो, इनके हाथ में कुछ देकर भेजना। कुछ दो। शिवा कहाँ है? नहीं है। होता तो ये सब नहीं होता ना। बताओ कहाँ? कह दिया ना, नहीं आएगा। हाँ?
बाबा डीजीपी ऑफिस में फिंगरप्रिंट रिपोर्ट्स बनाने वाले को 50,000 भेजो। वो मिनिस्टर का आदमी ना निकला तो भी उसका ही आदमी था लिखवाएंगे। अपनी पार्टी में नेक्स्ट सीएम बनने के चांसेस बस उसके ही हैं। उसे हटाते ही मेरा सीएम बनना बहुत इजी हो जाएगा। उस चाकू पर मेरे फिंगरप्रिंट है, 2 दिन में फिंगरप्रिंट रिपोर्ट्स आ जाएंगी सर। वो जोगिंदर कहीं मुझे पकड़ ना ले, डर लग रहा है। वो तुम मुझ पर छोड़ दो। युद्ध का अंत 2 तरीके से होता है। राजा को मारने से युद्ध खत्म हो जाता है। अगर ये मुमकिन ना हो तो उसकी सेना को खत्म करना चाहिए। अब राजा महल में हो या काल कोठरी में एक ही बात है। ये लो, सेना के लिए काफी होगा। गन कब चलानी है, बॉम्ब कब लगाने हैं, ये मैं बताऊंगा, अपना दिमाग मत चलाना। बम बनाना जानते हो ना? गूगल में चेक कर लूंगा और यूट्यूब में वीडियो देख के बना लूंगा सर। आजकल के नौजवान टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल कर रहे हैं। सर वो फिंगरप्रिंट्स की बात वो भी गूगल में देख लेते ना। अरे वो क्या कोई मिनिस्टर का पी है जो सब कुछ दिखा देगा गूगल में? जोगेंद्र द सेवियर ऑफ द स्टेट, एक फोटो, एक कैप्शन सोशल मीडिया में सेंसेशन क्रिएट कर रहा है। थैंक यू। तुम्हारी स्माइल पर 1 मिलियन व्यूज। तुम उस क्लिप में चलते हुए आ रहे हो। यूथ फिदा है। यू डिजर्व इट बेबी। होने वाले सीएम को कंग्रेचुलेशंस इन एडवांस। अब तुम्हें एक काम करना होगा, यहाँ के स्लम में जो बच्चे पैदा होंगे उन्हें चेन या पैसा देकर उनका नामकरण करना होगा। वो तो राधा ने कई बार किया। ओल्ड एज होम्स और ऑर्फनेजेस जाकर फ्रूट्स कपड़े देकर उनके साथ टाइम स्पेंड करने जैसे काम करने होंगे। हर हफ्ते मेरी राधा यही तो करती है। 2-4 गरीबों की शादी करवानी है। अब तक राधा बहुत लोगों की करवा चुकी है। बच्चे पैदा करने हैं। ये काम तो नहीं किया है ना? बच्चे ना पैदा करने वाली किस काम की? उसे छोड़कर आ जाओ, मुझसे शादी कर लो। तुम्हें जितने चाहिए उतने बच्चे पैदा कर दूंगी। हाँ, क्या बकवास कर रही है? क्या बोल रही है तू? क्या बोल रही है तू? मेरा नाम क्या है? मेरा नाम क्या है? हाँ, जोगेंद्र। राधा जोगेंद्र, समझी? राधा के बिना जोगेंद्र नहीं है। राधा मेरी जान है। हाँ। बोलो। आप पे अटैक करने वाले की डिटेल्स आ गई हैं सर। मेरे आने तक ओपन मत करना। जोगेंद्र, आई लव यू। नमस्ते साहब। ये लीजिए सर। सरपंच मिनिस्टर साहब, पहचान लिया ना? आपकी मेहरबानी से इलेक्शन से पहले मेरा ट्रांसफर हो गया था। अब उसी इलेक्शन के नोटिफिकेशन के टाइम पर SP बनकर वापस आया हूँ। अब CI 5 सालों में SP कैसे बन गया यही सोच रहे हो? तुम नहीं बने क्या? ब्याज के पैसे खाकर जीने वाला गांव का जोगेंद्र सरपंच से मिनिस्टर बन गया। कुर्सी के खेल में फाइनल तक आ गए हो, लेकिन कप नहीं जीत सकते। मैं आ गया हूं ना, अब खेलेंगे प्रोफेशनल खेल। नहीं, अतीत रहने दे, दे उसे। मिनिस्टर साहब, खादी पहनने वाला हर इंसान गांधी नहीं होता आपकी तरह। यूनिफॉर्म पहना हर पुलिस वाला सिंसियर नहीं होता मेरी तरह। ये दोनों ही क्रिमिनल्स हैं। बस तुम एक ड्रेस और मैं एक ड्रेस आड़े रखकर खेल रहे हैं। सर, इसमें मिनिस्टर साहब पे अटैक करने वाले की डिटेल्स हैं। पता है ना, हर काम का एक तरीका होता है। सही वक्त देखकर इसे खोलेंगे। अगर हम पूरी पावर लगाकर हेल्प करते हैं ना, तो कुछ क्रिमिनल्स कुर्सी पर बैठ जाते हैं और बैठ कर हमें ही कुचलते हैं। क्या घूर रहा है? घूर क्या रहे? उस दिन ट्रिक प्ले की थी ना,
आज ट्राई करेगा? करेगा ट्राई? ट्राई करना, हर बार एक ही ट्रिक काम नहीं कर रहा। हर चीज याद है ना तुझे, तो अब ये भी याद रख, अगर तिरुपति घूमने गया तो भी मुंडन हो जाएगा, नहीं समझा ना? पब्लिक हो या पुलिस हो, लेकिन पॉलिटिशियन से पंगा लिया ना तो गायब हो जाएगा। सही निशाने पे वार किया रवि, यानी इंटरनेट पर भरोसा कर सकते हैं। जी सर। अच्छा सुन, तेरे अकाउंट में 5 लाख भेज रहा हूँ, ठीक है? कैसा, किसे चाहिए सर? मेरे शिवा भाई को मारने वाले उस जोगिंद्र को मारना है। तब तक मुझे बचा लीजिए सर, बस। को मारने वाला और मेरा यहाँ ट्रांसफर कराने वाला तेरा कुर्सी मेट बोला था ना, सूद समेत वसूल करूंगा। अगर पैसा वाइट है तो हिसाब बता कर ले जाओ, अगर ब्लैक है तो छोड़ कर जाओ, समझे? भगवान है सर, मुंडन करवाने के लिए तिरुपति जाने की जरूरत नहीं है, लोकल में भी मुंडन हो सकता है। कैंडिडेट्स की लिस्ट रेडी हो रही है ना, हमने भी एक लिस्ट भेजी है, जरा देख लीजिए। जरूर। आ गया, वो आ गया। मुझे कुछ नहीं पता, मैं यहाँ पे हूँ ही नहीं, मैं तुम्हारी पार्टी का ही नहीं हूँ, तुम मुझे नहीं जानते, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसे देखते ही तू इतना घबराता क्यों है? ए, जरा इज्जत से बात करो। मेरे साथियों को मरवा दिया इन्होंने। प्रेसिडेंट साहब, आप कुछ कहते क्यों नहीं? हम तो कल से ही आपके ऑफिस में हैं, क्यों मैं गलत कह रहा हूँ? ए, वहाँ मारने के लिए आदमी भेजकर यहाँ गवाह इकट्ठा करने के लिए बैठे हो, मैं क्या तुम्हें पागल दिखाई देता हूँ? पागल तो हम है बाबू, कत्ले आम करके सबूत पैदा करने में तो तुम बड़े खिलाड़ी हो ना। तो क्या करेगा तू? कुर्सी चली गई फिर भी अकल ठिकाने नहीं आई तेरी, मार डालूंगा तुझे। प्रेसिडेंट साहब, ये नहीं बदलेगा, मुनार के भाई को मारना, मुझे भी धोखा दिया। चुप हो जा। सीएम साहब को ब्लैकमेल। चुप हो जा। इसके सामने जो भी आ रहा है उसे मारना। मैंने कहा ना चुप हो जा। अरे मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्या सुनाई नहीं दे रहा तुझे? मेरे ही सामने तुमने सीनियर को मारा? आप मारूंगा, जो हद पार करेगा उसे मारूंगा। ये मत भूलो मैं सीएम हूँ। कैसा सीएम? 100 MLA को 5-star होटल में बिठाकर शाम तक मैं भी बन सकता हूँ सीएम। इस तरह झगड़ा किस लिए? अगर आपको इस पार्टी में जम नहीं रहा है तो राजीनामा दे दो ना। ए, अगर इतनी खुजली हो रही है तो तू दे दे राजीनामा। राजनीति में रिटायरमेंट एज नहीं है, इसीलिए तेरे जैसे बुढ़े हर पार्टी में बैठकर मस्ती मार रहे हैं। गांधी जी के टाइम से है ये पार्टी, तुझे क्या लगता है तूने ये पार्टी बनाई? अबे तू पहले आया और मैं अब आया हूँ, बस यही फर्क है। तुम्हें पार्टी से सस्पेंड करता हूँ। ओए, पार्टी को मैं खुद सस्पेंड करता हूँ।
जोगेंद्र को पार्टी से मतलब नहीं है। मैं इंडिपेंडेंट खड़ा होऊंगा, अपने लोगों को खड़ा करूंगा। तुम लोग झंडा हिलाते हुए घिसी पीटी स्पीच देते हुए बस देखते रहो। राज्य में जोगेंद्र जोगेंद्र नाम की धूम ना मची दो। अब तुम लोग पूजा और यज्ञ करवाना शुरू कर दो। अगर तुम लोग बदकिस्मती से हार गए तो एक एक को एक एक को लोरी गाकर नहीं सुनाऊंगा, डायरेक्टली सुला दूंगा। न्यूज़ देखा क्या तुमने? देखो उस पागल लड़की ने हमारे खिलाफ फिर से बकना शुरू कर दिया। इंटरनेशनल स्कूल कैसे बनवा दिए? कई सैकड़ों दुकानें चल रही हैं। एक्साइज ड्यूटी के लोग अब तक क्यों नहीं जागे? राज्य की राजनीति में थोड़ा थोड़ा उभर कर आने वाले उस पॉलिटिकल माफिया किंग का नाम जोगेंद्र है। दो चोटी वाली लड़की देखी थी, लेकिन दो जबान वाली लड़की पहली बार देखी। सोशल मीडिया पर यूथ को अपनी बातों में फंसा कर अपने झूठ से अपनी पॉपुलैरिटी को कैसे बढ़ा लिया? एक ही नंबर से हर रूट पर अपनी वॉल्वो बस चला रहा है। रवाना शाखा उन पर कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही? कुछ साल पहले कवि कुंतला में सरपंच की मौत कोई आत्मरक्षा थी या कोई हत्या थी? उसके पीछे जोगेंद्र ही है। उदयनगर के एमएलए चौधरी की हत्या के पीछे भी जोगेंद्र ही है। होम मिनिस्टर के केस में मुख्य आरोपी होमगार्ड के परिवार के लापता होने की भी असली वजह जोगेंद्र ही है। आज से लेकर हर रोज जोगेंद्र द पॉलिटिकल माफिया के किए हर जुर्म पर उसके पीछे की कहानी हमारा चैनल दिखाएगा। हेलो। हे। बोलो। देखो तुम्हें जो क्या चाहिए तुम्हें पता है, उसके अलावा कुछ भी मांग लो। मुझे तुम चाहिए। राधा जोगेंद्र बनकर इतने दिन जी लिए, अब रानी जोगेंद्र बन जाओ। सीएम बनने के लिए तुम्हारे हाथ में एक चैनल भी होना चाहिए। अब तो अपनी पत्नी को छोड़कर आ जाओ। मेरे सपोर्ट के बिना तुम इस जन्म में तो सीएम नहीं बन सकते। अपने आप को कीप इट रेडी फॉर द नेक्स्ट बुलेटिन। Hey, what a surprise! आइए आइए। Welcome. मेरे घर पहली बार आई हैं। आप क्या लेंगी? पहले एक सेल्फी लेते हैं, हाँ? Come on. वो बहुत दुखी हो रहे हैं। छोड़ दीजिए, please. मैं आपसे छोटी हूँ, दीजिए मत कहिए, मुझे भी फील होता है। ठीक है, ये सब बंद करो। शुरुआत किसने की दीदी? न्यूज़ के लिए मैंने अपना जॉब किया, तुम मेरी लाइफ में आ जाओ। क्या मैंने उनसे कहा था? मुझे इतनी दूर लाने के बाद अब मेरी जरूरत ही नहीं है। मैं भी तो एक लड़की हूँ ना। उनकी इज्जत चली जाएगी। मेरी तो जान जा रही है दीदी। ठीक है, मैं सब रोक दूंगी। तुम अपने पति को छोड़ दो। अपने पति को मैं छोड़ दूं? मेरे छोड़ने पर भी वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। तुम कुछ नहीं छोड़ोगी, पर मैं अपनी लाइफ को छोड़ दूं? ये अच्छा है। क्या अच्छा है? बिस्तर पर लेटने से बीवी बन जाओगी? मंगलसूत्र पहनने से भी कुछ नहीं होता, बच्चे भी तो होने चाहिए। तुम उनको पूरी तरह से नहीं जानती। तुम भी मेरे बारे में नहीं जानती। देविका रानी जो सोचती है उसे कैसे भी हासिल करती है। पता है वो कितने जिद्दी है? अगर दाएं हाथ में प्रॉब्लम हो तो बाएं हाथ से उसे काट देते हैं।
औरत हो इसीलिए छोड़ दिया होगा, नहीं तो मार डालते। देखते हैं मुझे मारेंगे या मेरा प्यार समझकर तुम। अगर तुम नहीं समझी तो आउट फोकस हो जाओगी, तुम्हारा चैनल नहीं तुम खुद। नमस्ते, इवनिंग न्यूज़ में स्वागत है। जोगेंद्र इस हद तक गिर गए हैं कि उनके असली रूप को बाहर लाने वाली हमारी चैनल फोकस टीवी की एमडी देविका रानी के घर पर अपनी पत्नी को भेजकर धमकाए जाने वाली तस्वीरें आप सबके सामने हैं। पता है वो कितने जिद्दी है, अगर दाएं हाथ में प्रॉब्लम हो तो बाएं हाथ से उसे काट देते हैं। औरत हो इसीलिए छोड़ दिया होगा, मार डालते। अगर तुम नहीं समझी तो आउट फोकस हो जाओगी, तुम्हारा चैनल नहीं तुम खुद। आपके बारे में वो बोल रही थी तो सहन नहीं हुआ, मैंने जानबूझकर नहीं किया। क्या है ये जिंदगी, कैसी है ये बेबसी। इतिहास को आज तूने ठगा, ना कभी ऐसा हुआ जो खेल ये आज हो रहा। तूने राह बदली है क्यों, छोड़ के राह ईश्वर की, खुद को ही तूने बदला, खुद को लेकर यूं रहा। टीवी पर ये जो स्टोरीज दिखा रही है ना, उसी की वजह से जोगेंद्र की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। जब उसे कोई रास्ता नहीं मिलता तो वो पहाड़ चीर कर भी रास्ता बना लेता है। इसीलिए तो वो जोगेंद्र है। कुत्ता भी भौंकते समय सांस लेकर भौंकता है, तू चुप रह यार। उस जोगेंद्र का और उसके लोगों का आने वाले चुनाव से पहले नामो निशान मिटाना होगा। मैडम, इस बार मेरी बात सुनोगी या फिर जो तुम्हें प्यारा है उसकी बात सुनोगी? सब होंगे, आप बदला लेने के लिए कर रहे हैं और मैं प्यार में कर रही हूं। मैंने सोचा था कि वो हारेगा तो मेरे पास आएगा। मैं कभी तुम्हारा गला सूना नहीं देख सकता। जहां से शुरू किया था वहीं आ गए, बहुत बदनामी हो गई ये राजनीति, ये कुर्सी हमें नहीं चाहिए। एक बार इलेक्शन जीत जाओ जो गया वो ब्याज के साथ लौट कर आएगा। किसके लिए? तुम्हारे लिए। यही सोचकर तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो राधा। मेरे लिए ही तुमने ये दौड़ शुरू की थी मुझे पता है, लेकिन बीच में तुम अपनी राधा को भूल गए। सीएम की कुर्सी के आगे तुम्हें कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा, अपनी चाहत पूरी करने के लिए राधा। मैं तुम्हें भूल गया हूँ, मैं तुम्हें भूल गया हूँ। पहले मेरी बात सुनो। ये सब मैंने किस लिए किया, किस लिए किया बताओ? सीएम की कुर्सी के लिए, है ना? नहीं है तो अभी छोड़ दो। नहीं छोड़ सकता।
मतलब सीएम की कुर्सी मुझसे ज्यादा जरूरी है? मैंने ऐसा कहा? ऐसा कहा क्या? ऐसा नहीं कहा। ठीक है, तो अब कहो, तुम्हें राधा चाहिए या सीएम की कुर्सी? समझ गई। कहाँ चली राधा? कहते हो मेरा सुना गला नहीं देख सकते, लेकिन अब तो मेरी जिंदगी ही सुनी हो गई है। समझ गया, मेरा पैसा मेरी जायदाद चली गई, इसीलिए जा रही हो ना? तुम भी बाकी औरतों जैसी ही हो। जब तुम्हारी जायदाद तुम्हारा पैसा गया तब नहीं, अभी ये जो बात कही ना वही तुम गिर गए, यही तुम्हारा अंत है। पैसा चला गया, राजनीति चली गई, आखिर में पत्नी भी छोड़कर चली गई, लेकिन तुम अब तक जिंदा क्यों हो? ए, हम ये पाप क्यों करें? बेटा तुम खुद ही फांसी पर चढ़ जाओ, लंबे हो ना, आसानी से पहुंच जाओगे। तुम पहुंच जाओगे क्या? मेरी जो बेल्ट है वो तुम्हारे कमर में आ जाएगी क्या? हर इंसान अलग अलग होता है, वो लंबाई में है, तुम चौड़ाई में हो। बात करते हैं, आप बोलिए सर। सर मैं रवि, वो जोगेंद्र अभी मंदिर में गया सर। हम बम लगा रहे हैं, आप अपने आदमियों को भेजिए सर। सबसे जाने को कहिए बाबा, अब ना कोई सीएम ना राजनीति। दामाद जी, ऐसे वक्त में अगर सब साथ रहें तो अच्छा लगेगा। मैं पुराने राधा जोगेंद्र की तरह जीना चाहता हूँ, सबको भेज दीजिए। आपके बिना हम नहीं जी पाएंगे भाई। समझने की कोशिश करो, जाकर कोई काम ढूंढकर बीवी बच्चों के साथ खुश रहो। अब जाओ, तुम सब भी जाओ। ए, ये पीला तार कहाँ लगाना है? ए। फर्स्ट टाइम बॉम्ब सेटिंग, फीलिंग एक्साइटेड। अरे अरे, इतनी टेंशन में तेरे को फेसबुक जरूरी है क्या? जाकर जोगेंद्र को बताना सीधे। बहुत खतरा है, कुछ भी हुआ तो हम लोग सीधे गए। नौवे नंबर के पिलर पर रखा है, तुम जाकर वहां छुप जाओ। अरे वो दे, रिपोर्ट दे। उसके वहां से निकलते ही फोन करूंगा, आज वो किसी भी तरह बचना नहीं चाहिए। ये लो। कुछ करना मत। क्या हुआ? उस कार में राधा जी है। अरे भाई तू बकवास मत कर, चल जा। तू प्लीज भाई, चल बैठ छोड़ के। We'll be right back.
राधा, राधा। वो फिर से बच गया। उसे मारना इतना आसान नहीं है। चाहे उसे मार के जमीन में क्यों ना गाड़ दो, वो शैतान की तरह निकल के बाहर आ जाता है। लगता है मैं तो डर से ही मर जाऊंगा। ये बात याद रखना। हाँ, आपको भी याद रखना होगा। क्या याद रखूं? वो जोगेंद्र है। बाप रे। राधा, राधा। डॉक्टर, मिस्टर जोगेंद्र, I have done the surgery. Her condition is too critical. मेजर एक्सीडेंट के कारण चेस्ट की हड्डियां लंग्स में घुसकर सीवियर इंजुरी करती है। 72 आवर्स ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। अनदर सर्जरी इज रिक्वायर्ड। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। टेंशन में धूम्रपान करना ज्यादा हानिकारक होता है, ये बात याद रखना। हॉस्पिटल में जोगेंद्र की पत्नी की हालत कैसी है ये पता किया क्या? डॉक्टर को फोन करके उसे मारने को कह दूं क्या? उसे मार दोगे तो हम सब मारे जाएंगे। डॉक्टर को फोन लगाओ, मैं बात करता हूँ। ठीक है। पत्नी को कुछ हुआ तो वो इन दोनों को नहीं छोड़ेगा। इस डर से पाइप लीक हो गए हैं, इसलिए तो वो जोगेंद्र है। क्या परिस्थिति है डॉक्टर? सेचुरेशन पॉइंट 40 पर रुका है सर। 90 पर आए तो शी विल बी कम्प्लीटली आउट ऑफ डेंजर, लेकिन अभी 60 पर आकर रुका है सर। देख, उसकी पत्नी हर हाल में बचनी चाहिए, उसे जिंदा रहना होगा, वरना तू ऊपर जाएगा। सॉरी सॉरी डॉक्टर, टेंशन की वजह से बोल के। प्लीज प्लीज डॉक्टर, बचा लो उसे। अब तो मैं डर से नहीं बल्कि शक से ही मर जाऊंगा। पता नहीं किस पापी की नजर लग गई, कीड़े पड़ेंगे उसे। अगर उन्हें कुछ हुआ ना तो गांव को जलाकर राख कर देंगे। दीदी को कुछ नहीं होगा, दीदी अच्छी हो जाएंगी। हमारी गांव की बच्ची को ही मारना चाहते थे। सांप बस आप एक बार हाँ कहिए, सबको जिंदा जला देंगे। आप हाँ कहिए साहब, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। मेरी माँ को अगर कुछ हुआ तो हम अपने वोट की ताकत दिखाएंगे उन लोगों को। सच कह रहा हूँ, उन लोगों को छोड़ेंगे नहीं हम लोग। देखो, राधा को कुछ भी नहीं होगा, हम सब है ना यहाँ, ठीक हो जाएंगे। जाओ जाओ राधा, माँ को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा उन्हें। चलो राजा। हाँ राधा। सॉरी सॉरी राजा। क्यों राधा? राधा तुम्हें बहुत पसंद है ना। सीएम बनना भी तुम्हारी इच्छा है ना। वो सब अब क्यों? तुम्हें जान नहीं पाई डर से। नहीं, रहने दो, उन सबको रहने दो, रहने दो। तुम्हारा नाम क्या है? राधा जोगेंद्र। इसलिए मैं तुम्हारी इच्छा के लिए कुछ करना चाहती हूँ। तुम्हें जिताऊंगी, तुम्हारी जीत बन जाऊंगी। बात मत करो, तुम्हें मत करो, तुम्हें सेव करना। बात मत करो, राधा राधा।
डॉक्टर 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 जीत गए, मैं हार गया। आप भगवान है ना, मेरी राधा को बचाइए, मेरी गलतियों को माफ कीजिए प्लीज। आंसर मैडम ने ऑक्सीजन की पाइप निकाल दी थी सर। हमारे पास है, लेकिन रानी उसे मिल गई है, वो फिर से राजा बन जाएगा, कहा था ना याद रखना, लेकिन आप तो भूल गए। वो अपनी पत्नी की अंतिम यात्रा को अपनी चुनावी ब्लॉक के एरिया में घुमा रहा है, जितनी सिंपैथी चाहिए उतनी खींच रहा है, सोच लो। इसीलिए तो वो जोगेंद्र है। डरा मत। इस अंतिम यात्रा में वो जानता है लोगों को कैसे बहलाना फुसलाना है, अब उसे कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए तो वो जोगेंद्र है। ओए, उस जोगेंद्र को मारने के बाद तू सीधा मेरे पास आना, उसके बाद तू जो बोलेगा वो सुनूंगा, जो कहेगा वो करूंगा, पर अभी तो मुंह बंद रख। तुम्हारे पति को मारने वाले के घर में अर्थी उठ रही है, तू यहाँ ये शर्म नहीं है क्या? शर्म किस लिए? मेरे पति के जाने के बाद भी मेरा मान रखा था राधा माँ ने, उनके साथ मैंने जो अत्याचार किया था, अगर कोई और होती तो मेरे पति के साथ मुझे भी मरवा देती। उनके बच्चे को मैंने मारा, लेकिन मेरे बच्चे को उन्होंने दिल्ली स्कूल पढ़ने भेजा। आखिरी बार उनके पैर छूलो तो कुछ तो पुण्य मिलेगा। वो माँ नहीं बन सकी, लेकिन कितने लोगों की माँ बन के दिखा दी। अगर राधा सीएम बनती तो जैसे देखभाल करती मैं वैसा ही करूँगा। हाँ बाबा, मैं सीएम बनूंगा, एक अच्छा सीएम बन के दिखाऊंगा। भाई, यहाँ पर अपना एरिया खत्म हो रहा है,
गाड़ी पीछे घुमा लूं क्या? दूसरे एरिया में चलो। आगे हमारा कोई कैंडिडेट भी नहीं है दामाद। सच में? सुना क्या? वो अपनी बीवी की शव यात्रा दूसरे एरिया में भी घुमा रहा है। मतलब दूसरे एरिया में भी वो अपना कैंडिडेट खड़ा करना चाहता है। नॉमिनेशन के डेडलाइन कल ही तो है, इतनी जल्दी उसे कैंडिडेट्स कहां से मिलेंगे? सर सर सर, वो जोगिंदर पागल हो गया है, नगाड़े बजाने वाले को ही एक बोर्ड का एमएलए बनाकर खड़ा कर रहा है। बाप रे। उसकी पत्नी के डेड बॉडी को नहलाने वाली बुढ़िया को एक बोर्ड का एमएलए बना सर, दिया सर। सुहागराज से पहले पुलिस की रेड पड़ गई, ऐसा क्यों शांत हो गया? बोल ना, उसने किसी चप्पल के दुकानदार को भी टिकट दे दी क्या? दुकानदार नहीं साहब, दुकान के बाहर चप्पल सीने वाले को दिया। चप्पल सीने वाले को? चप्पल सिलने वाले को हल्के में मत लो। पादुका को सिंहासन पर रख कर राज्य करने का इतिहास है हमारा। अब अपने भजन कीर्तन क्यों शुरू कर रहे हो? अब उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। अरे तू बोलना। क्या बोलू? इसीलिए तो वो जोगेंद्र है, ऐसा बोलना। आपने तो बोल दिया ना। आपकी साइड से पार्टी में खड़े होने वाले 150 एमएलए जोगेंद्र की तरफ चले गए हैं। अरे वाह, तो तुम भी आ गई। सब मरने की खबर एक एक करके ला रहे थे और मुझे पता था कि तुम कोई बड़ी खबर लेकर आओगे और तुम आ गई। एक्सक्यूज मी, शुभम रेड्डी कहाँ है? जोगेंद्र के पास चला गया। पीए कहाँ मर गया? इतनी बड़ी घटना घट गई। थोड़ी देर पहले बाथरूम गया था सर। एक नंबर गया या दो नंबर गया है? सर वो बाथरूम में नहीं है। तभी मैं कह रहा था कि जोगेंद्र की पत्नी मरेगी तो सिंपथि बढ़ जाएगी, इसीलिए मैं चाह रहा था कि वो जिंदा रहे। जो गई उसके पछतावे से क्या फायदा? अभी जो करना है वो देखिए। क्या देखूं मैं? क्या देखूं मैं? उसकी पत्नी मरे तो तुम्हारा फायदा होगा, यही सोचा था ना? प्यार का मतलब भी जानती हो? प्यार तो उसकी बीवी जानती थी, पति को जिताने के लिए बेचारी खुद ऊपर चली गई। तुम जो करती हो ना वो प्यार नहीं पागलपन है। ब्लैकमेल करने वाली तुम जैसी लड़की को देखकर इस दुनिया में किसी मर्द को प्यार नहीं होगा, नफरत ही होगी। हाँ आप मेरे प्यार की इंसल्ट कर रहे हैं। आप मेरे प्यार की इंसल्ट कर रहे हैं। आ जाओ ना, रोका किसने तुम्हें? तुम जैसी औरतें उनमें से है, जहाँ गुड़ देगा वहीं मक्खी की तरह लग गई। सर शिवा के भाई रवि को भी इलेक्शन में खड़ा कर दिया सर। अरे तो हमारी लंगोटी, हमारी धोती और हमारे नाड़े को भी खड़ा करवा देना। उसकी तो असेंबली के चुनाव में लड़ने वालों में लगभग सारे स्थानों से जोगेंद्र की पार्टी ने क्लीन स्वीप किया है। उनमें कुछ लोग जो एमएलए बने हैं वो हैं हैदराबाद के भिंडी बाजार की वैश्या उर्वशी, ट्रक ड्राइवर कृष्णमूर्ति, गरीब किसान रंगा राव, पत्थर तोड़ने वाले सत्यनारायण, अगरबत्ती बेचने वाले अनवर बादशाह। सरकार बनाने के लिए पार्टी की तरफ से जीतने वाले सभी लोग एकत्रित हो रहे हैं। अपनी लंबाई की कमी को नजरअंदाज करके बीएड पढ़ के टीचर बनी विजय दुर्गा, घर घर जाके कपड़े धोने वाले रामकृष्ण, जेंडर चेंज करवा चुकी चंद्रमुखी। ये भी बताया जा रहा है कि और कई बदलाव इस बैठक में तय होंगे। भाई कल असेंबली में कोई मर जाए तो बजाने का काम मुझको ही दोगे ना, या किसी और को बुलाओगे? क्या बोल रहा है तू? अब तुम एमएलए हो भाई, एमएलए बजा नहीं सकता है क्या? वो दूसरा नगाड़ा बजाता है, किसी और को चांस नहीं देता। बैठ जाओ। पार्टी के तरफ से मुख्यमंत्री के तौर पर जोगेंद्र जी का नाम चुना गया है, आप में से किसी को कोई आपत्ति है? राजा, मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं हूं। कहा था ना तुम्हारा सपना सच करूंगी। देखो सीएम बना दिया ना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगी। राजा मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। Oh,
सिर्फ मुझे ही सीएम बनना होगा। मैं ही सीएम बनूंगा। दामाद जी, अपनी पार्टी के सारे एमएलए के साइन लेकर के गवर्नर साहब से मिलना होगा। सर वो देविका आई है। देविका जी सर। मुझसे कुछ काम है क्या? मैंने जो किया तुमसे प्यार है इसीलिए किया, बदले से नहीं। अगर मैंने कभी अनजाने में तुम्हें हर्ट किया हो तो आई एम सॉरी, आई स्टिल लव यू। हेलो हेलो सर, हेलो सर, फोन सर, सर थोड़ा अर्जेंट है। हेलो, कैसे हो शिष्य? तेरी पिशाचनी प्रेमिका वहीं पर है ना, उससे जरा बच के रहना तू। क्या चाहिए? मुझे जो चाहिए वो मैं हासिल कर ही लेता हूँ, खरीदना नहीं, खरीद चुका हूँ। तेरी बीवी के मरने के बाद लोगों की हमदर्दी हासिल करके तू जीत जाएगा, इसलिए अपनी पार्टी के 150 एमएलए कैंडिडेट्स को तेरे पास मैंने ही भेजा, वापस भी मैंने ही छीन लिया। शिष्य, अब मैं ही हूँ सीएम। दामाजी, अपने वो सारे एमएलए, कल ही शपथ ग्रहण करना है, तू और तेरे बचे हुए एमएलए लोग साथ मिलकर तालियां बजाना, मैं अपने लोगों से कहकर सबको कुछ पैसे और बिरयानी खिलवा दूंगा। राजनीति के खेल में ऊंचाई पाने के लिए कद नहीं चाहिए होता, ब्रेन। मुझसे कोई काम तो नहीं? होने वाले सीएम साहब ने बुलाया है, चलता हूं। एक मिनट रुकिए, रुकिए। उन्होंने हमारे साथ विश्वासघात किया है, सबने मिलकर हमको धोखा दिया है। भाई आप कुछ कीजिए, हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। हाय हाय। हाँ हाँ हाँ। आप सब यहीं रुकिए, मैं बात करके आऊँ। सोचा नहीं था तुम आओगे शिष्य, धैर्य कमाल का। बेचारे, सुना है शपथ ग्रहण का मुहूर्त निकलवाकर मिनिस्ट्री भी बांट चुके थे ना सब में। हाँ, ये तुम जैसे बच्चों के खेल का मैदान नहीं, हम जैसे चालाक मंत्रियों का अखाड़ा है। आप लोगों ने ऐसा क्यों किया? एक पार्टी से जीतकर दूसरी पार्टी में क्यों चले गए मैं नहीं पूछूंगा, मुझे जवाब नहीं चाहिए। अपनी अंतरात्मा से क्या कहोगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिस जनता ने आपको जिताया है उन्हें क्या कहोगे? जनता मतलब? हाँ, पैसे लेकर, शराब लेकर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर 5 साल में एक बार पोलिंग बूथ जाकर वोट डालने वाले रहा, उनके पास इतना टाइम कहाँ है? वो सब तो अपनी परेशानी में उलझे हुए हैं, ये तुम याद रखना। शिष्य, एक बार अतीत में झांको, 70 साल के कार्यकाल वाली पार्टी में है हम। अगर फिल्मी भगवान आकर कोई पार्टी बनाए तो उसमें भी हम ही होते हैं, कोई नायक आकर पार्टी बनाकर जीतता है तो उसमें भी हम ही शरीक होते हैं, या फिर कोई उद्योगपति आकर पार्टी बनाकर अगर जीतता है तो वहां पर भी हम और हमारे उम्मीदवार ही होंगे।
जनता हमें भले ना सही किसी और पार्टी को वोट दे तो उस पार्टी के जीतने के बाद जोड़ घटा के वहाँ भी हम ही घुस जाते हैं। जनता चाहे किसी भी पार्टी को वोट दे लेकिन सत्ता में तो हम ही होते हैं। अब ये जो वीडियो ले रहे हैं ना टीवी में आ जाएगा, जनता घर बैठे सब देख लेगी तो हमारा क्या उखाड़ लेगी। हाँ, जनता को भेड़ियों की तरह नोच लेंगे, क्या उखाड़ लोगे? हाँ, ऐसा ही है क्या? हाँ, इतना ही है, यही हमारी मेजॉरिटी है। ये सीएम की कुर्सी मेरी है, इस कुर्सी से मुझे कोई नहीं उतार सकता। मुख्यमंत्री, 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 मुख्यमंत्री। कुर्सी के खेल में गिरा दिया ना, कार तक छोड़ दूं? जो भी हो आपका फेवरेट सिक्योरिटी ऑफिसर हूं। इतना होने के बाद भी तो समझा नहीं, कुर्सी के खेल का क्लाइमेक्स है, जा उनकी पहरेदारी कर। क्योंकि इसीलिए तो ये जोगेंद्र है। क्या हुआ साहब, क्या हुआ अंदर, क्या हुआ कुछ तो बताइए अंदर, क्या हुआ दामाद जी? ये ऐसे नहीं समझेंगे, इनकी ही भाषा में समझाना पड़ेगा। लाओ रवि भाई। पचास दोषियों को एक बार में मार डाला, तुम कैसे मर सकते हो? आज इस देश को क्या चाहिए, तुम जैसा नायक? नो, मैं तुम्हें फांसी नहीं होने दूंगा। अन्याय हुआ है जो दूसरों के साथ ना हो, इसलिए पूरे राजतंत्र की गंदगी को धो डाला। ऐसे इंसान को फांसी पे चढ़ाएंगे? पोजीशन, हम लोग ही नहीं होने देंगे, अपनी जान की बाजी लगा देंगे, लेकिन जोगिंदर भाई को बाहर लेकर आएंगे। हाँ, बाहर लेकर आएंगे। देखिए मैडम, इन्हें रोक सकते हैं तो रोक लीजिए, वरना रबर बुलेट से फायर करना पड़ेगा, नहीं तो ओरिजिनल बुलेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कानून तोड़ेंगे तो हम चुप नहीं रहेंगे। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ रुक जाइए, जोगेंद्र जी के लिए हम फाइट करेंगे। अब क्या फाइट करेंगे हम? उनके गले में फांसी का फंदा डालकर नाटक कर रहे हैं वो लोग। इस नगाड़े के फटने की तरह उनकी जेल की दीवारें भी फाड़ देंगे हम। भाई को बाहर निकाल कर रहेंगे। नो, 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 नो,
सकते। आजादी आने से पहले से चप्पल सी रहे, कई सरकारें बदल गई लेकिन अब तक सीते आ रहे हैं। आज जोगिंदर साहब ने मुझे MLA बनाया है, जान दे देंगे पर पीछे नहीं हटेंगे हम, पीछे नहीं हटेंगे। प्लीज बस एक बात मान जाइए, आप लोग जोगिंदर जी की फांसी के खिलाफ SMS भेजिए, मैसेंजर, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर सबका इस्तेमाल कीजिए, मिनटों में देश हिल जाना चाहिए। हम सब लोगों की अपील दिल्ली तक पहुंचनी चाहिए, राष्ट्रपति ही फांसी की सजा को इमीडिएटली रद्द कर सकते हैं। मुझे इलेक्शन में क्यों जितवाया? मेरी बीवी मर गई इसलिए? दया, सिंपैथी से वोट क्यों दिया? आप ऐसे हैं इसीलिए, दादा के बाद बेटा, बेटा के बाद पोता, उसके बाद उसकी बीवी आकर तुम लोगों के सर चढ़कर बैठ जाते हैं। सत्ता चलाने के लिए क्या यही चाहिए? उनकी कोई योग्यता नहीं होनी चाहिए? बेटा 40 साल का है, ऊंट जैसा हो रहा होगा, लेकिन उसके दादा के मरने के दया से अंधे बैल की तरह धक 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 वोट डालते हो। हम क्या किसी राजाओं के जमाने में है? ये लोकतंत्र है, नेता कभी आसमान से नहीं टपके हैं, वो भी आप ही की तरह आप जैसे होते हैं। अब मेरे मरने के बाद चौराहे पर एक पुतला बनाकर मेरे गले में एक माला डाल दोगे ना? ये पुतलों की राजनीति है ही इसलिए कि कहीं तुम उनके वंशज को भूल न जाओ, इसलिए वो डरते हैं। अगर सच में आप लोग नेता को चाहते हैं तो उन पर चढ़ाने वाले फूलों से उनकी अहमियत नहीं बढ़ती, उनके आचरण अपनाने से अहमियत बढ़ती है। कुर्सी पर बैठा इंसान काम ना करे तो उसके पैर क्यों पकड़ते हो? कॉलर पकड़ो। अरे गधे के कपड़े उतार कर मारने से उसकी कुर्सी के पैर भी डगमगा जाने चाहिए। सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह जैसे लोग दोबारा पैदा नहीं होंगे सोचते हो क्या? इस बार वोट देते समय एक बार दिल में जन गण मन बोलकर वोट डालना, देखना वो हम में से ही दोबारा पैदा होंगे। जय हिंद। पब्लिक देखेगी तो हंगामा कर देगी, कैमरा बंद कर दो। जनता ने तुम्हारी कहानी सुनकर तुम्हें फांसी ना हो इसलिए भारी वोटिंग की है। प्रेसिडेंट साहब ने पुनः विचार करने के लिए स्पेशल कमेटी बैठाई है। कैमरे ऑन कीजिए। मेरा भारत देश बहुत महान है, चाहे जितने भी गधे आए कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सिगरेट है क्या? धूम्रपान करना सेहत के लिए हानिकारक है, सिगरेट पीने से मुझे कैंसर होगा तो मैं मर जाऊंगा, मेरा परिवार सड़क पर आ जाएगा,
एक सिगरेट एक परिवार को सड़क पर ला सकता है, तो एक कमीना राजनेता असेंबली में बैठ गया तो कई हजार परिवार सड़क पर आ जाएंगे। हमारे जोगिंद्र जी ही सीएम होने चाहिए। भाई इलेक्शन जीतने वाले जितने भी एमएलए हैं सब यही चाहते हैं कि आप ही सीएम बनो। सीएम जोगिंद्र जी। सीएम और मैं, राधा मेरी जान है, मेरा नाम राधा जोगेंद्र है, राधा के बिना जोगेंद्र नहीं। जोगेंद्र नो कभी नहीं बजाऊंगा, लेकिन आप अपनी मौत पर नगाड़ा बजवाओगे ये नहीं सोचा था। बजाऊंगा मैं, पूरे दिल से बजाऊंगा। मुझे पता है उसने ऐसा क्यों किया, वो मरा नहीं है, वह मेरी बेटी अकेली है ना, उसी के पास चला गया वो। इसीलिए तो वो राधा जोगेंद्र है। चांदनी रात में झूले तुम झूला, बादलों को चीर कर मैं आया हूँ यहाँ। जीना हो मरना हो तुमसे ही राजा, जमी हो या फलक तुम्हारी है राधा। है वो दुआ तू मांगी जो रब से, रहूँ मैं तेरे